लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, आइए. सो कमिंग ऑन टू हियर, ये आ गया आपका ल्यूसेंट स्टैटिक जी के बैच, और दिस इज क्लास थ्री. अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, अभी तक हम कर चुके हैं क्या बोलते हैं, जिसमें स्टेट्स उनकी क्या कितनी लोकसभा सीट होती हैं, कितनी राज्यसभा सीट होती हैं. क्या करूंगा, बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, उससे क्या होगा आपको सारी चीजें आइडिया रहेगा क्या चीज क्या हो रही है. तो सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो किसकी है, दैट इज चीफ मिनिस्टर. आप में से कितने लोगों को मालूम है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? आप में से कितने लोगों को अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? करंट अफेयर्स वाले चीफ मिनिस्टर पूछूंगा, ठीक है. नाम है क्या, पेमा खांडू. गुड, हाँ जी. अरे फ्री है भाई, यूट्यूब पे चल रही है, ऑब्वियसली फ्री है. देखो ये आ जाती है आपकी क्या स्टेट और चीफ मिनिस्टर, और उनकी पार्टी कौन सी है. आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी. ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है. और ये कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड है, ये वाले सवाल जो है कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड है, ये वाले सवाल आपके आ जाते हैं NTPC में. तो SSC नहीं पूछता, NTPC पूछ सकता है, तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस. देन अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, आपको देखो 2018-2019 ये वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं ये आपको स्पेशली ध्यान देने हैं. बिहार के हो गए नीतीश कुमार, अब क्या होगा है? अब डिपेंड करता है ओथ स्वरिंग सेरेमनी जब भी हो. छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, ध्यान रखिएगा. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं मार्क करा दे रहा हूं, कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, एक ये आंध्र प्रदेश के ये रेड्डी साहब. देन उसके बाद आपके आ जाते हैं बिहार, बिहार इस बार ही पूछा जाएगा कि बिहार के कौन हैं. देन अब रिसेंट इलेक्शन हुए हैं बिहार में, दिल्ली के आपको मालूम ही है अरविंद केजरीवाल. देन आपसे पूछा जाएगा गुजरात के कौन हैं, गुजरात, हरियाणा, हरियाणा कौन है, मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, झारखंड हिमेश सोरेन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना. आइए, क्योंकि ये लेटेस्ट में आ जाएगा, ये प्रमोद सावंत, ये लेटेस्ट में आ जाएगा, जितना लेटेस्ट हैपनिंग है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक. करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के साथ साथ चलेगा, गुड, नोट करते जाना. अच्छा, ओहो, आइए. SSC ने इस बार पूछा था CHSL एग्जाम में, कौन सा पूछा था, पेमा खांडू पूछा था. ओके, चलो नोट कर लो, मैंने आपको ये दे दिया, लो जी नोट कर लीजिए. मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लो, जरा सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुड, ठीक है. हाँ जी, SSC CHSL पूरा कवर हो जाएगा. आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. प्रमोद सावंत बीजेपी, विजय रूपानी बीजेपी, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी, जयराम ठाकुर बीजेपी. अच्छा इंटरेस्टिंग बात सुनना, बैचलर हैं ये कौन कौन, योगी जी बैचलर, मोदी जी बैचलर, नीतीश कुमार बैचलर, नीतीश कुमार बैचलर, और एक कोई और भी है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बैचलर. ये वो लोग हैं जिन्होंने शादियां नहीं करी है, और कौन बैचलर है, और एक आध सीएम और हैं जिन्होंने शादियां नहीं करी हैं, दे आर बैचलर्स. तो बढ़िया चीज है, देखो बैचलर होने का फायदा ये होता है, राजनीति में अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप सेवा करने के लिए ही आ रहे हैं, फिर आप इधर उधर घपला करके आप करेंगे क्या, किसके लिए करेंगे, कोई है ही नहीं, अकेले आप ही हैं जो है, तो ये एक अच्छी चीज होती है. आइए नेक्स्ट पर आते हैं, ये हो गया हमारे पास. अब समझिएगा कर्नाटका में कौन है, BS येदियुरप्पा, वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे साउथ के स्टेट के केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तीनों बहुत जरूरी होते हैं स्टैटिक जीके में, हमेशा ध्यान रखना इसको. केरला भी देख लेना, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स के हैं. 23 मार्च, इसके पहले कौन सी थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो वहां नहीं चल पाई, तो क्या हो गया नाउ, शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020. महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब ये बीजेपी और शिवसेना का जो अलायंस था वहां पर कुछ प्रॉब्लम आई, तो फिर इसमें क्या हुआ था, ये मतलब यहां की महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स थी वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल थी जिस टाइम पर उद्धव ठाकरे बैठे हैं गद्दी के ऊपर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन मणिपुर, मेघालय, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, जो जो मैं सर्कल कर रहा हूं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल वाले कोई छोड़ेगा नहीं, वो याद होने चाहिए हर एक को, ठीक है. आओ आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ रहे हैं, नहीं यूनियन टेरिटरी के सीएम नहीं होते हैं, वहां के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, ठीक है जी. अरे बैचलर कैसे हुए, यानी कि मोदी जी इस समय उनके पास जो है वो कोई वाइफ अभी नहीं है, डाइवोर्स है, जो भी है अभी नहीं है उनके पास. देन इसके बाद यहां पर आ जाएंगे आप, इसमें आपके लिए क्या जरूरी है. अच्छा सी, सो नवीन पटनायक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इतने टर्म्स इन्होंने खेले हैं. इन्होंने अब आप देखिए
15 साल, चौथा टर्म खेल रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर होने का. सो दिस इज अ वेरी बिग फीट. कि अगर कोई इतने टाइम तक कोई चीफ मिनिस्टर रहता है, ये कौन है? नवीन पटनायक जी. आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं. अच्छा देखो, इसमें 2018-2019 ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा आने के चांसेस इन्हीं के हैं जो 2018-19 और 2020 में जो लोग बने हैं. बाकी आने के चांसेस कम होते हैं. नाम मैंने दे दिए हैं, कोशिश करना सारे याद करना. नहीं हो पाए तो भी ठीक है, कम से कम 17-18-19 तो याद ही कर लेना. उत्तराखंड के जरूर याद रखिएगा, जहां की पॉलिटिक्स ऊपर नीचे हुई है काफी ज्यादा, उसको जरूर याद रख लीजिएगा. ठीक, उत्तर प्रदेश कौन है? योगी आदित्यनाथ, ये भी याद रखेंगे आप. तो ये हमारे हो गए स्टेट के चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी हो गई. इससे ज्यादा अपने को जरूरत जो है वो नहीं है. हां जी सोनू, हां जी हां जी हां जी, दोनों ही चीजें हैं. अच्छा एक बात ध्यान रखना, कल मैं इसके ऊपर क्विज लूंगा आपसे, इनफैक्ट अभी लूंगा. जरा मेरे को एक बात बताना, असम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? असम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है बताइए. और अभी आप बताओगे, अभी मैं चेक भी करूंगा, असम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जल्दी से, कमान. हां, असम के चीफ मिनिस्टर बताइए का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज सर्बानंद सोनोवाल. अब मैंने कैसे याद किया था इसको, याद करने का तरीका, खैर छोड़िए वो तो. खैर देखो, इनके नाम में ही एक्चुअल में असम जो है ना, असम में से एस उठा लो, ठीक है, असम में से एस उठा लो, तो ए स्टैंड्स फॉर असम, सर्बानंद सोनोवाल याद रहेगा ना, अभी भूलेंगे तो नहीं ना कभी. असम में से आपने पिकअप द एस एंड यू गॉट द चीफ मिनिस्टर. आइए, नो ऑफेंस दो. आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं. आते हैं अगले उसके ऊपर. अच्छा दूसरा सवाल सुनना मेरा, क्या छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम बताइए क्या है? कमान इंडीड प्रदीप, बिल्कुल सही बात है. छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम बताइए, नेम ऑफ सीएम ऑफ छत्तीसगढ़. इसके लिए क्या है? कुछ नहीं, ये भी आसान है. छत्तीसगढ़ है तो बीबीसी, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़. मैंने ऐसे याद किया, देखो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी बना लो तो आसान रहता है. बीबीसी यानी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल. अब अगर ये आ गए ना, आपने अगर ये क्लास भी अटेंड करी हुई है तो भी याद हो गया होगा आपको. ठीक है, गुड, चलो ठीक है. आइए नेक्स्ट पर आते हैं. अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए, लेटेस्ट पूछ रहा हूं, झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, कम ऑन क्विक, व्हाट इज द नेम ऑफ सीएम ऑफ झारखंड? गुड, सीएम ऑफ झारखंड इज हेमंत सोरेन, याद रखना इसको, हेमंत सोरेन. ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आने के चांसेस भी हैं. हेमंत सोरेन सीएम ऑफ झारखंड. चलिए अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं. ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं आपको आती हैं, मतलब बल्कि अच्छा तमिलनाडु के सीएम का नाम, ये तो ख्याल लिखा ही हुआ है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जब वन जयललिता डाइड, इनके बाद ये बने थे एडापड़ी के ए.के. पलानीस्वामी. तो इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पर एक तरीके से पूरा डायनेस्टी चेंज हुआ था. व्हेन जयललिता डाइड, शी वाज द सीएम ऑफ तमिलनाडु, सो व्हेन शी डाइड, तो वहां पर पूरा डायनेस्टी का चेंज हुआ था, एक तरीके से डायनेस्टी शिफ्ट हुआ था. तो इनके बाद में ये आए थे ए.के. पलानीस्वामी, तो इनका नाम भी काफी ज्यादा जरूरी है. आते हैं अगले पर, देखिए ये बताएंगे. अच्छा पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी एग्जाम में, बहुत बार सवाल आए हैं, बृहदेश्वर टेंपल किसने बनवाया, देन गंगाईकोंडा चोला ये वाला टेंपल, राजेंद्र चोला वन ने कौन सा बनवाया, कैलाशनाथ टेंपल कौन सा बनवाया, ये सारी एक जगह पर आपके पास लिस्ट आ गई है. प्रेसिडेंट हाउस किसने बनवाया, लीनिंग टावर ऑफ पीसा किसने बनवाया, कैलाशनाथ टेंपल, कांचीपुरम का मंदिर वो किसने बनवाया, ही वॉज अ पल्लव रूलर. ये इससे बहुत सवाल आते हैं यार, ये एक जगह पर आपके पास ये लिस्ट हो गया है, बहुत सारे सवाल होते हैं इससे. तो अभी क्या होगा ना कि कम से कम जितनी शिफ्ट में पेपर अब आने वाले ना, अगले चार महीने में जितने पेपर होने हैं, गारंटी के संग 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह में से आपको चार, इनमें से चार नाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम चार पांच सेट में. मुझे नहीं पता किसका सेट कौन सा होगा, लेकिन छह में से चार आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे हर एग्जाम में जो भी आने वाला है. अभी बहुत आसान एग्जाम होगा तो उसमें प्रेसिडेंट हाउस पूछ लेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा पूछ सकता है. चलिए आगे भी करना है, इतना ही नहीं है, अभी अपने पास और भी है. अच्छा ये बताएंगे जरा, कैलकटा किसने डिजाइन किया था? कैलकटा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कैलकटा किसने डिजाइन किया था बताइए, कैलकटा किसने डिजाइन किया था? What was the name of the architect? It was जॉब चार्नक. ने
कैलकटा डिजाइन किया था। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत गलत हो सकती है, नाम मुझे इतना एग्जैक्टली नाम मालूम है, स्पेलिंग नहीं मालूम होती है। ओके चलिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे आ रहे हैं, जयपुर किसने किया था ये बताइए। कैलकटा तो हमने फिर भी सुना होगा, जयपुर किसने किया है ये बताइए। हु डिजाइन जयपुर, जयपुर किसने किया था, जल्दी 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 जल्दी। इनका नाम है विद्याधर, इनका नाम क्या है, विद्याधर। अगले पेज पे वो भी है आपके सामने, ये लीजिए। सिडनी का ओपेरा हाउस किसने किया है, जॉन अर्जन। कैलकटा को किसने किया है, जॉर्ज चारनेक। इंडिया गेट अगेन एडविन लुटियन, जो पीछे भी जिन्होंने प्रेसिडेंट हाउस और इंडिया गेट दोनों उन्होंने किया हुआ है। देन जयपुर किसने किया है, विद्याधर। जंतर मंतर सवाई जयसिंह टू। एंड चार मीनार कुली कुतुब शाह, ये वाला पेपर तो कितनी बार सीजीएल में पूछा है, बहुत बार पूछा चार मीनार को डिजाइन किसने किया था। ठीक है बढ़िया, पहले एक बारी क्या करेंगे पूछा, एक बारी सीएम याद कर लेंगे। जब सीएम एकदम रट जाएंगे तो फिर मैं 4-6 सेशन बाद गवर्नर की लिस्ट दूंगा, तब गवर्नर भी याद कर लेंगे आप अच्छे से। ठीक है आओ अब देखिएगा। अच्छा फिर टाइटल पूछता है कि यार किसने किसको क्या टाइटल दिया, किसने किसको टाइटल दिया और वो कौन था टाइटल देने वाला। तो महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर हम देख रहे हैं राष्ट्र, ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने गुरुदेव किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला गुरुदेव। वल्लभ भाई पटेल सरदार, वुमन ऑफ बारडोली, जब उन्होंने बारडोली सत्याग्रह किया था। देन देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी जी ने, किंग ऑफ खेत्री, ये सारी चीजें आपको दिख रही है ना। राजा का टाइटल इनको किसने दिया था, ये भी सवाल पूछता है। सारे के सारे आपके पास एक ही जगह पर आ गए सारे सवाल। कायदे आजम, ये सवाल खूब आता है, ये स्टेट पीएससी में पूछता है, कायदे आजम किसने दिया था, महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को, इनको बोला था आपका नाम, आप कायदे आजम हैं। आप सारी चीजें देख लीजिए, हैप्पी बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीडीएफ के लिए। मैं टेलीग्राम पे देखो यार, कल शनिवार है ना, कल अपने पास थोड़ा सा समय होगा तो कल मैं रात तक पीडीएफ आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अमन एसआरवी मेरा टेलीग्राम चैनल है, अमन एसआरवी मेरा टेलीग्राम चैनल है। और आप में से जिसको भी एमसीक्यू करने हो तो वो आज मेरी रात में स्पेशल क्लास है, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं, जिन्हें भी बायो के एमसीक्यूज करने हो। आइए यहां पर आ रहे हैं, अब देखिएगा निकनेम्स किसके किसके हैं। महाकवि कालिदास, इनको क्या बोलते थे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये भी पूछता है ना यार, इनमें से किसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। जब मैं एमसीक्यू लूंगा ना तो ध्यान रखना, एक एक चीज आप याद करेंगे, अरे यार पढ़ के क्यों नहीं आया, तो पढ़ के आना चाहिए था, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे बनते हैं इससे। ठीक है अगली क्लास में आपका एमसीक्यू सेशन होगा। मशियावेल ऑफ इंडिया चाणक्य को बोलते हैं, पैरट ऑफ इंडिया तोताहीन, आमिर खुसरो वाल्मीकि आदि कवि, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, यहां भी डाउट होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को बोलते हैं या समुद्रगुप्त, ध्यान रखना चंद्रगुप्त टू का टाइटल है विक्रमादित्य और नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। नागार्जुन, इंडियन आइंस्टीन, बाबर, प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट पर आते हैं, यहां पर आ रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सारे इसके बाहर आपको पेपर में, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सीएचएसएल हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, इसके बाहर जो ये नाम लिखे हैं नहीं पूछने का। ठीक, तो इसको लेकिन बहुत इसको करना और फिर जो मैं एमसीक्यू कर रहा हूं उसको करना, तो उसके बाहर स्टैटिक जीके ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उससे ना अटेंड कर पाए, सब अटेंड करेंगे। ठीक है देख लिया ये सबने, बिहार केसरी किसको बोलते थे, श्री कृष्ण सिंह, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, बापू महात्मा, ये सब इनको, राजा राम मोहन रॉय को मॉर्निंग स्टार फादर ऑफ इंडियन, ये याद है आपको, हिस्ट्री में मैंने सवाल कराया था अभी जब किरण सीरीज करा रहा था, आप में से जितने भी लोग अटेंड करते होंगे, ये वाला सवाल आपने देखा था सीपीओ में पूछा था 2016 या 2017 में, फादर ऑफ इंडियन रनेसा इनमें से कौन कौन है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ये कल या परसों की बात है जब मैंने ये चीज बताई थी, बताइए। ओके चलिए चलिए बढ़े, आज शाम को क्लास हुई थी 7:30 बजे, आज क्लास हुई थी 7:30 पे, आज क्लास हुई थी अकेडमी एसएससी यूट्यूब चैनल पे। कूल चलो बढ़िया, सर हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाई होगी, बेटा हिंदी तो है ये सब कुछ यार, सब कुछ तो हिंदी है ये, इसमें क्या चाहिए अंग्रेजी, हिंदी नाम में कहे का हिंदी कहे का अंग्रेजी। आइए इसमें देखिए, सरोजिनी नायडू क्या बोलते थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, चंद्रशेखर, टुक टुक खान, अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, ये भी सवाल आया था आपका, उसके बाद बादशाह खान भी इनका नाम था, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव। मेन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है वो किसने दिया था, वो भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट, अब देखना यार ये भी पूछा था, ये आपका हिस्ट्री में आ चुका था, ये भी मैंने, अगर आपने किरण सीरीज करी होगी उसमें मैंने 3 से 4 दिन पहले ये वाला सवाल कराया था, पूछा था एग्जामिनर ने फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, कौन लेकर के आया था। ठीक है बताओ, ये सारी कहानियां एकदम बढ़िया से समझ आ गई हैं, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, डोंट स्पैम डोंट स्पैम डोंट स्पैम
डोंट स्पैम दिस वन. अरे यार प्लस का डाउट कहाँ यहाँ लेकर के आते हैं, एक बार बताइए. प्लस ऑलरेडी इतनी सारी आपको डाउट से लेके सब देते हैं, फिर प्लस वाले यहाँ सर इसका बताइए, वो तो वहाँ ऑलरेडी आपको इतना मौका सब मिलता है आपको, फिर भी यहाँ तो जो नहीं है उनके लिए बेसिकली. ठीक है आओ यहां पर देखिए, कर्पूरी ठाकुर जननायक खत्म कहानी. दैट रैप्स अप योर निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज. तो हमने आज क्या क्या किया, हमने चीफ मिनिस्टर के नाम देखे, हमने निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज देखा, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं आपका एक क्विज लेने जा रहा हूं छोटा सा. लीजिए सवाल आ रहा है आपके सामने कि आप बताएंगे इंडियन आइंस्टीन किसको बोलते हैं, इंडियन आइंस्टीन किसको बोलते हैं बताइए, कम ऑन इंडियन आइंस्टीन किसको बोलते हैं. अरे हाँ अरे नहीं, अभी आप एलिजिबिलिटी के लिए डिपेंड करेगा मोहन सिंह, एलिजिबिलिटी के लिए डिपेंड करेगा कि आप एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, वो नोटिफिकेशन आने पे पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा. ठीक है चलिए अब बताइए इंडियन आइंस्टीन किसको बोलते हैं. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कितने दिन का कोर्स है, 30-40 डेज में ओवर हो जाएगा ये. इंडियन आइंस्टीन नागार्जुन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इसके बाद आप बताएंगे दीन बंधु किसको बोलते हैं, दीन बंधु किसको बोलते हैं, दीन बंधु, कम ऑन जल्दी जल्दी, दीन बंधु आंसर, वेरी गुड यार नागार्जुन, बहुत अच्छा आंसर था. दीन बंधु बोलते हैं सीएफ एंड्रयूज को. चलिए अच्छा ठीक है आगे बढ़ रहे हैं यार. निकनेम्स ऑफ इसमें देख लीजिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी देख लीजिए किसको क्या क्या बोलते थे. यानी हमने देखो कैसे बांटा हुआ, मैंने इसको ये समझ लेना, देखना एंशियंट इंडिया से एक चीज देखना जरा. देखो एंशियंट इंडिया के ये हैं, जो एंशियंट इंडिया में हुए हैं वहां पर जो भी टाइटल है, मैंने आपसे बोला था ना एक पेज में टाइटल लिख लेना किसने दिया, तो मैंने खुद ही कंपाइल कर दिए. एंशियंट इंडिया का ये दिया हुआ है, उसके बाद आपको मॉडर्न इंडिया का आपको यहां पर दिया हुआ है. मॉडर्न इंडिया के ये हो गए, ये और ये हो गया, और उसके बाद ये मॉडर्न इंडिया का आ गया. फिर इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने किसको क्या टाइटल दिया उसका एक और शीट है, ये लीजिए. पीटी उषा को उड़न परी बोलते हैं, ध्यानचंद को मैजिशियन ऑफ हॉकी, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, लोकनायक बहुत बड़ा सवाल आया है जेपी जयप्रकाश, देन राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन. सो दीज आर ऑल जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम है उनकी लिस्ट चाहिए. ठीक याद तो नहीं, याद नहीं हो सकता. देखो ये नहीं हो सकता समझना कि आप इतने सारे नाम, यार इतनी देर में मैंने कम से कम 80 नाम मैंने आपको बोले हैं, नॉट पॉसिबल कि आपको 15 अगर ऐसे नाम याद होने होता ना 20 मिनट में पूरी स्टैटिक जीके के 80 नाम आपको तुरंत याद हो जाए, तो फिर तो स्टैटिक जीके का इतना हुआ क्यों होता है. स्टैटिक जीके में सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, एक जगह पर सारी चीज मिल जाए, मुझे बहुत ज्यादा भटकना ना पड़े, एक एक छोटी छोटी चीज के लिए मुझे भटकना ना पड़े, मेरा टाइम बर्बाद ना हो, और एक जगह पर आ जाए, मुझे थोड़ा सा सेट मिले कि इतना याद करके आओ कल मेरा उसका टेस्ट हो जाए. ये सबसे बड़ा हेडेक होता है स्टैटिक जीके का, तो ये हेडेक मैं आपका सॉल्व करा रहा हूं. अब यार फिर तो स्पून फीडिंग हो गई कि मतलब बेटा मुंह खोलना, ये लो याद करने की घुट्टी पी लो, याद हो जाएगा अब आपको. ऐसा कैसे हो सकता है भाई है. चलिए नेक्स्ट में आए, एक तो हमारे सोनू भैया जो है वो बहुत परेशान है. डिटेल में जिसको भी देखिए, किसको भी कंप्लीट बैचेस करने हैं तो आप अन अकेडमी प्लस पे, मेरा 23rd से नए बैचेस, मेरे कंप्लीट बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है 23rd नवंबर से, क्लियर. चलिए नेक्स्ट पर आए, डाउट क्लियर हो गए सबके, और ये आखिरी आया आपका दिस वन, ये आपके लास्ट. तो इतना आपका आइटम था आज का. ह्यून सांग को क्या बोलते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. चार्ल्स बैजेट फादर ऑफ कंप्यूटर. एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये पूछा गया था आपसे अभी 2017 में पूछा गया था, ये फादर ऑफ मेडिसिन. हिपोक्रेट्स, इतनी चीजें जो हैं ये आपसे पूछी जाती हैं स्टैटिक जीके में. निकनेम्स, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि जो भी आपका सवाल आएगा वो इसी से बनता है, इसके बाहर नहीं जाता है. तब आपके पास क्या है, आपके पास आज का कल का पूरा टाइम है. अगला सेशन जब हमारा होगा, वैसे मंडे टू फ्राइडे सेशन होता है, फिर मंडे टू फ्राइडे होता है, अब अगला सेशन मंडे को होगा. अगर मुझे कल समय मिलेगा तो मैं कल भी ले लूंगा, लेकिन जब भी सेशन होगा स्टैटिक जीके का आपका, जो भी सेशन होगा अब आपका एमसीक्यू होगा. मैंने जितना अभी पढ़ाया है उस सबके ऊपर होगा एमसीक्यू. ये कहानी क्लियर है सबको, एकदम क्लियर, बढ़िया. चलिए क्लियर हो गई बात सारी, सारी चीजें क्लियर हैं. चलिए फिर तो करते हैं बाय बाय, टाटा टेक केयर, और हम मुलाकात करेंगे अपनी अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट,
और अभी यह है कि इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसको याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे और वहां पर कल तक की जितना मैंने अभी तक स्टैटिक जीके में पढ़ाया है वो मैं कल तक की उसमें डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बायो का एमसीक्यू वो प्लस वालों के लिए नहीं है, नॉन प्लस वाले जितने भी हैं, नॉन प्लस लर्नर्स जो हैं वो 10 बजे आ सकते हैं, स्पेशल क्लास है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और वहां पे आप शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ये मैं हूं और ये है कोर्स का नाम। आइए सबसे पहले तो ये बताइए, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? वो कौन है जो कि 30 मई 2019 को इलेक्ट हुए हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये वो है, 5 मिनट में हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, 5 से 10 मिनट क्वेश्चन खेलेंगे हम लोग, जो पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, बताओ, मैं पुल कर लेता हूं जल्दी से आपके कॉमेंट्स, एक सेकेंड रुकिएगा। अब तब तक आंसर दीजिए सब लोग, मेरे को आंसर सबका चाहिए यार, ये देखो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, मेरे को आंसर चाहिए सबका, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए। ओके, गुड गुड गुड, रेड्डी, बहुत बढ़िया, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, दोस्त हो रखे हैं रेड्डी, है ना, रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, पूरा नाम बोला करो भाई, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, ये है इनका नाम। चलिए, तो ऑप्शन वन में ये आएगा, बताइए फिल इन द ब्लैंक नंबर टू में क्या भरा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से असम सीट से कौन है? भारतीय जनता पार्टी में असम सीट से कौन है, जल्दी से बताइए, कमान, क्विकली। ठीक है, ओके, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे यार, ये बताना है असम सीट का बताना है, कहां कुछ कुछ भी बताने लगे, और बताइए, अच्छा जल्दी से, बहुत बढ़िया, सर्बानंद सोनोवाल, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, सर्बानंद सोनोवाल इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, सर्बानंद सोनोवाल, ये हैं कुछ बच्चे हमारे जो पढ़ के आए हैं, बाकी लोग टीपने आए हैं, सर्बानंद सोनोवाल, ये टीपू सुल्तान जितने भी हैं, पहली चीज टीपू सुल्तान मत बनिए, टीपू सुल्तान बनने से कोई फायदा नहीं होगा, आप भी पढ़ के आइए, ठीक है, टीपू सुल्तान वाली उपाधि बहुत अच्छी नहीं है, आइए, आहा, ये ASS किसको याद है, ठीक है, याद नहीं है, असम में से हमने एस को अलग कर लिया और बन गए असम से सर्बानंद सोनोवाल, सिंपल है ना यार, ये तो बताया भी था याद करने का तरीका। चलिए बताओ, दिल्ली में कौन है? नहीं, ये तो सबको पता है, दिल्ली के बताओ जल्दी से, दिल्ली के कौन है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक 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 ठीक, ओके, वेरी गुड, अरविंद केजरीवाल, बहुत बढ़िया, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल, ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं, स्टेट्स एंड चीफ मिनिस्टर पार्टी, आप इनकी जानते हैं, आम आदमी पार्टी, गोवा में कौन है, गोवा के कौन है, जल्दी से बता दीजिए, गोवा के कौन है, हाँ हाँ, गोवा के कौन है, जल्दी से, कौन, जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, मेरा आंसर अभी भी नहीं आया, अभी भी आप लोग दिल्ली पटके पड़े हैं, थोड़ा सा तेज बढ़िए, एक मिनट, मेरे में कमेंट्स लैग कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकना यार, मेरे में ना कमेंट्स लैग कर रहे हैं काफी ज्यादा, अभी ठीक है, हाँ चलो अभी सही है, इट्स वर्किंग फाइन नाउ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक, प्रमोद सावंत, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हाँ अभी ठीक है, अभी कमेंट आ गए, प्रमोद सावंत, चलिए आगे आ जाइए, हरियाणा में कौन है, कौन से खट्टे, हरे मनोहर लाल खट्टर, पांचवे में कौन आ जाएगा, मनोहर लाल खट्टर, यहां पर आइए, कौन आएंगे यहां पर, छठे में कौन आएंगे, झारखंड में कौन है, अरे पिरामिड सावंत नहीं है वो, प्रमोद सावंत है, पिरामिड सावंत, हद हो गई, मतलब पिरामिड और प्रमोद में अंतर होता है यार, ऐसी बात मत करो भाई, चलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा जल्दी से, हाँ मनोहर लाल खट्टर हो गया, जल्दी से इनका बताइए, कमान, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, बहुत कम लोग बता रहे हैं अभी भी हैं, ठीक है, चलिए हेमंत सोरेन, ठीक है, झारखंड में हेमंत सोरेन, झारखंड इज हेमंत सोरेन, अब मुझे लग रहा है मुझे को बताने पड़ेंगे बाकी के, क्योंकि आप लोग जो है, आप लोग के बताने की रफ्तार जो है कम, हेमंत सोरेन सातवें पर आइए,
अगले पे आ रहे हैं झारखंड हेमंत सोरेन, अच्छा ध्यान रखना बाकी रिवाइज करते हुए चलना। गुजरात के कौन है? विजय रूपानी। हरियाणा कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के कौन है? जयराम ठाकुर। झारखंड कौन होगा? हेमंत सोरेन। आगे आइए नेक्स्ट पर आ रहे हैं, देखिए नाउ द पॉइंट इज कर्नाटका के कौन है? कर्नाटका कौन है जल्दी से बताइए, व्हाट अबाउट कर्नाटका? ठीक है सही। BSY येदुरप्पा बीजेपी पार्टी के हैं ये भी, BS येदुरप्पा। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी बहुत जगह पर है, तो BS येदुरप्पा कर्नाटका के कौन है बताओ? कर्नाटका, कमान क्विक। साउंड बहुत कम आ रहा है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद द साउंड? क्या साउंड में कोई भी इशू है? साउंड में कोई भी इशू है बताना जरा, साउंड सही है ना? देखो तो यहां पर क्या आ जाएगा, केरला पिनराई विजयन, ठीक है पिनराई विजयन, पीजे पिनराई विजयन। महाराष्ट्र में कौन है जल्दी से? महाराष्ट्र में कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में कौन है? उद्धव ठाकरे। चलिए यहां पर कौन है? मध्यप्रदेश शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र कौन है? उद्धव ठाकरे। मणिपुर कौन है? एन बीरेन सिंह। मेघालय के कौन है बताइए? मेघालय कॉनराड संगम, हाँ ठीक है बढ़िया। मेघालय कौन है? कॉनराड संगम, लिख लो यहां पर कॉनराड संगम, संग्राम या संगम अब देख लेना एग्जैक्टली क्या नाम है, कॉनराड संगम है या संग्राम है ये देख लेना। इनकी पार्टी याद रखना, इनकी पार्टी पूछी जा सकती है क्योंकि ना ये बीजेपी है ना ये कांग्रेस है। जिनकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा है उनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उनके पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, CPI मार्क्सिस्ट और ये आ गई नेशनल पीपल्स पार्टी। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का बहुत ज्यादा वैसा कुछ है नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही, इनके अलावा जो पार्टीज हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक आइए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आते हैं मिजोरम कौन है? जोनराम थांगा। नागालैंड नेफूरियो, याद कर लेना यार क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का भी पूछ सकता है कभी भी। ओडिशा के कौन है? काफी पॉपुलर है ये, मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स हैं ये। कौन है? कौन से पटनायक? नवीन पटनायक, बहुत बढ़िया। ओके थानोस बैकअप वहीं से है। सांगमा, यस सॉरी सांगमा है ठीक है। व्हाट अबाउट दिया जाएगा मिस्टर नवीन पटनायक? मिस्टर नवीन पटनायक ठीक। चलिए ये बहुत बार हैं, अब आप देखेंगे 2000 यानी 20 साल से चीफ मिनिस्टर ही बने हुए हैं और खैर ये अपने स्टेट का बहुत ध्यान रखते हैं, ही इज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज स्टेट एज वेल। देन पुडुचेरी कौन है? वी नारायण स्वामी। पंजाब अमरिंदर सिंह। राजस्थान, आंसर राजस्थान, पता नहीं जिन्हें भी सीएम के नाम नहीं पसंद होंगे वो ठीक है। राजस्थान में कौन आ जाएगा? अशोक गहलोत। राजस्थान में कौन आएगा? ये रीसेंट के हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये हो जाएंगे अशोक गहलोत। और अभी अशोक गहलोत इसलिए क्योंकि ये राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा गर्म रही है 2019 के एंड में, तो यहां पर आने के चांसेस ज्यादा हैं इस चीज के। ठीक अशोक गहलोत राजस्थान, गुड बहुत बढ़िया, ये तो आप लोगों को याद हो रहा है, अब तो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो बहुत बढ़िया। सिक्किम कौन है? प्रेम सिंह तामंग। तमिलनाडु कौन है? एडापी के पलानीस्वामी। एक मिनट, केरला में कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने? पन्नीर सेल्वम, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ बोला क्या? केरला का मैंने क्या बोला? सही बोला पिनराई विजय, ठीक है सही बोला। आ जाओ चलो ये हो गया। तेलंगाना के बताइए, कम ऑन दिस इज फॉर CHSL आल्सो, यस ये डिसलाइक कौन किया है? ममता पूछ रही है एक डिसलाइक कौन किया है, नो आइडिया। जिनको भी चीफ मिनिस्टर के नाम पसंद नहीं होंगे वो किए हैं, नो आइडिया। चलिए कुछ लोग प्रो होते हैं लेक्चर शुरू होने के पहले, उनको मालूम है बेकार पढ़ाएगा, आता ही नहीं इसको, बेकार पढ़ाएगा शुरू होने के पहले ही रहता है, ये भी नहीं ये कैसा होगा। दे आर सो कॉन्फिडेंट पीपल, अब दे रियली नो मी, आपकी बेकार ही पढ़ाएगा। चलो आ जाओ भाई, अच्छा हाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राजस्थान हो गया आपका, ये सब हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वन, कौन आ रहे हैं? चंद्रशेखर राव के, चंद्रशेखर राव ठीक है, चंद्रशेखर राव ये हो जाएंगे। उत्तराखंड के कौन है? यूपी के योगी आदित्यनाथ। त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव। उत्तराखंड बताइए, ये तो दीदी है फिक्स है, ये बढ़िया अपनी कुर्सी संभाली है, कम से कम 9 साल तो होगा, दूसरा टर्म चल रहा है इनका। ये उत्तराखंड बताइए द करेक्ट आंसर, गुड 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 जल्दी से। ओहो यशांक अभी ठीक है, अभी कोविड वगैरह सब चल हो गया बढ़िया ठीक है। चलिए ये होगा रावत साहब, कौन से रावत? त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, TS रावत ठीक है। आगे आओ नेक्स्ट पर आते हैं, ये देखो अच्छा
देखो ये रिवीजन का तरीका ठीक है ना, कि रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, पुराना हम पिछले 5-10 मिनट में पूरा पुराना पढ़ दे रहे हैं, और साथ साथ में मैंने छोटे छोटे ब्लैंक्स क्रिएट कर दिए हैं ताकि आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी के ऊपर जोर भी डालो कि यार क्या पढ़ा था मैंने पिछले सेशन में। जो लोग आज नए हैं, आज पहली बार सेशन कर रहे हैं, ये क्लास डेली शाम को 8:30 बजे होती है, और आप लोग जो है ये इनका पूरा जो आपको चाहिए तो आपको पिछला जो मेरा सेशन है उस सेशन को देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, स्टैटिक जीके कंप्लीट कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनवा दी है, आपको वहां मिल जाएगा सारा चीजें, डे वाइज लगा हुआ है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप उसमें आपको ये सारी चीजें भरी हुई मिल जाएंगी। चलो 15 नंबर ब्लैंक में आंसर बताओ क्या आएगा, 15 नंबर ब्लैंक में आंसर बताइए क्या आएगा, व्हाट वुड बी द आंसर इन 15 नंबर ब्लैंक। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में किसने बनवाया, ये हिंट दे रहा हूं, ये एक पल्लव रूलर थे, ये कौन से थे, ये एक पल्लव रूलर थे, और इनका नाम क्या था, नरसिंह वर्मन टू, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नरसिंह वर्मन टू इनका नाम है। उसके बाद साथ में एक और चीज देखो, गंगाईकोंडा चोलेश्वरम किसने बनवाया, राजेंद्र चोला वन, और बृहदेश्वर टेंपल किसने बनवाया, चोला किंग राजा राजा वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। लीनिंग टावर ऑफ पीसा किसने बनाया, बोनानो पिसानो। प्रेसिडेंट हाउस किसने बनवाया, हमको मालूम है, एडविन लुटियन। और ताजमहल, उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी, आर्किटेक्ट है ये सारे के सारे, आर्किटेक्ट है या जिसने बनवाया है, जिसने या तो पैट्रोनेज दिया हुआ है या बनवाया है। तो ये जो है इन लोगों ने पैट्रोनेज दिया है, पैट्रोनेज का मतलब होता है पूरा पैसा, स्पॉन्सरिंग। ये कौन है, ये आर्किटेक्ट है, एडविन लुटियन कौन है, आर्किटेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, गुड। हाँ जी 100 आवर्स बाद शुरू हो गया, आज ही हुआ है 100 आवर्स बाद जो है वो आज ही शुरू हुआ है, तो जितने भी नए लोग हैं जिन्हें अटेंड करना हो वो 100 आवर्स बाद अटेंड कर लेना, क्योंकि वो आज से शुरू हो गया है, ठीक। आगे आओ, नेक्स्ट पर आते हैं यार, कैलकटा किसने बनवाया है, 17th नंबर ब्लैंक को फिल करेंगे। सिडनी का ओपेरा हाउस बनाया जॉन विल्डजॉन, कैलकटा किसने बनवाया है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कैलकटा बनवाया है किसने, कैलकटा इज बिल्ड बाय जॉब चार्नक, किसने बनवाया है, जॉब चार्नक, ठीक, जॉब चार्नक, क्लियर है, ये कैलकटा इन्होंने बनवाया। इंडिया गेट अगेन एडविन लुटियन, जयपुर विद्याधर, जंतर मंतर सवाई जयसिंह, चार मीनार कुली कुतुब शाह, ठीक है। लो लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट वन, ये समझ आ रहा है, चलो ये बताओ। अच्छा अब यहां पर आते हैं, टाइटल के ऊपर चलते हैं, जो लोग आज पहली बार आए, फिर कह रहा हूं ये सारी चीजें जो है वो पिछले उसमें भी है, पिछले सेशन में सब पढ़ाया था, अभी एक रिवीजन करा रहा हूं उसका, अब 10-15 मिनट में, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल किसने दिया था, दिस टाइटल वॉज गिवेन, महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल किसने दिया था, द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने क्या टाइटल दिया था महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था। कंफ्यूज मत होना, जब ये सवाल आता है तो दोनों देता है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी देगा और सुभाष चंद्र बोस भी देगा, आपको देखना है कौन से टाइटल की बात हो रही है, तब आप उसी हिसाब से सेलेक्ट करोगे, ठीक। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर वल्लभ भाई पटेल, वुमेन ऑफ बारडोली ने दिया था सरदार का टाइटल। महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को कौन सा टाइटल दिया था, बताइए कौन सा, एक रत्न उन्होंने बोला था, ये एक रत्न है, कौन से रत्न है, ये देश रत्न है, ये देश रत्न बोला था महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं हम, आइए यहां पर आ जाते हैं, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, ये आखिरी सवाल है आज का, फिर हम करेंगे आज की जो चीजें आपको याद करनी है। और सुनिए, अब अगला जो सेशन होगा वो फिल्मा ब्लैंक नहीं होगा, फिल्मा ब्लैंक तो सिर्फ रिवीजन के लिए था, आप एमसीक्यू होंगे इसके और जो आज पढ़ा रहा हूं उसके, क्योंकि आपको ज्यादा था याद करने का, इसलिए मैंने आज इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं कराया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और ये सब याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब अगली क्लास में ऐसा नहीं होगा, अगली क्लास में आपको याद करके ही आना होगा, जो आज दे रहा हूं वो भी और जो 2 दिन पहले पढ़ाया था वो भी, दोनों का कंबाइंड एमसीक्यू सेशन होगा, 25 से 30 क्वेश्चन में पूछूंगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होंगे सारे के सारे। चलो आओ, तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, जल्दी से बताइए, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत बढ़िया यार, ये मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग बता ले जाओगे, बहुत बढ़िया, किंग ऑफ खेत्री, वेरी गुड, इट्स किंग ऑफ खेत्री, किंग ऑफ खेत्री, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आए आते हैं। चलिए अगला सवाल आ रहा है यहां से, सवाल नहीं आ रहा है, अब देखिए ये तो चीजें खैर सब लोग आप लोग देख ही चुके हो, ये तो सारी चीजें आप देख ही चुके हो, देखो
इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं, चाणक्य को ये बोलते हैं, ये सारी चीजें आप देख चुके हो। जो आज नई चीजें जो मैं आपके सामने जो डेटा देने जा रहा हूं, जो कंपाइलेशन देने जा रहा हूं, छोटा सा है वो, लेकिन बहुत इफेक्टिव, बहुत ज्यादा आने वाला है। देखो ये भी चीजें हम लोग देख चुके हैं, मॉडर्न के नाम हम लोग देख चुके हैं, सरोजिनी नायडू क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर को क्या बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं, ऑल दीज थिंग्स हमने देख ली है, मॉडर्न हिस्ट्री के थे ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नाम फेमस हुए, जो टाइटल फेमस हुए, इसकी मैंने आपको लिस्ट दी थी पिछले क्लास में, ये भी दी थी। अब आपके पास क्या आ रहा है, ये भी हमने दे लिया था। आज का आता है आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तारापुर कहां पर है? तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? कर्नाटका में। काकरपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बताओ, फिल्म प्लांट करना है, बताइए कहां पर होगा कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर इज इन, ये है तमिलनाडु में, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक, ये हो गया आपका तमिलनाडु में। इसके बाद क्या है, रावल भट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? राजस्थान में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? कहां पर पड़ता है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट? ये फरीदाबाद के पास में पड़ता है, यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए उसके बाद क्या आ रहा है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहां पर है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी कहां पर है? दिस इज अगेन इन तमिलनाडु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगली क्लास के लिए। चलिए ओके जी। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। हालांकि बड़ा खूबसूरत तो वैसे ही बन रखा है ये स्क्रीनशॉट के लिए, क्या ही बताएं। आइए अच्छा अच्छा ये देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो मैंने ये ग्रुपिंग करी हुई है, स्टेट वाइज आपको थर्मल पावर प्लांट भी याद होने चाहिए, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट भी पूछता है आंध्र प्रदेश में कौन है, ये सारे स्टेट वाइज है। तो आपने क्या करना है, एक दिन में आप क्या करोगे, सुबह चार, ज्यादा ही तेजी से हो गया भाई, यहां अटका दे, ठीक है, सुबह चार पढ़ लिए, दोपहर में इनका रिवीजन कर लिया, शाम को चार और नए पढ़ लिए, दो से तीन दिन में आपको भारत के सारे थर्मल पावर प्लांट याद हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप इसको स्टेट वाइज करें, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनको कम से कम आपको 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स, ठीक है, 15 टाइम्स आपको इसको पढ़ना है, 15 बार ये हो गया। अब सुनो, 15 बार आप पढ़ोगे कुछ भी नया नहीं उठाओगे, 15 बार बस पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, याद करने की कोशिश मत करना, अपने आप याद हो जाएगा, बताता हूं कैसे। 15 बार ये पढ़ लिया, अब मैंने क्या किया, अब अगली 15 बार में मैं क्या करूंगा, 5 बार तो पुराना वाला पढ़ूंगा और 10 बार ये नया वाला पढ़ूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मेरे पास ये स्टेट भी हो गए, अब जब मैं अगली 15 बार पे आऊंगा ना, तो मैं 10 बारी तो पुराना वाला पढ़ूंगा और 5 बारी नया वाला पढ़ूंगा। यानी अब मैं वो वाला कम से कम पहली स्लाइड में 25 बार पढ़ चुका हूं, दूसरी वाली स्लाइड कम से कम मैं 20 बार पढ़ चुका हूं, अब मैं पहली वाली को छोड़ दूंगा। जैसे ही किसी भी स्लाइड के 25 बार हो जाएंगे, मैं उसको छोड़ दूंगा, आगे आता जाऊंगा, और आपको एकदम रट जाएगा। यानी क्या करना है, आपको हर चीज को 25 बार करना है, 15 बार इंडिविजुअली, फिर अगली 15 बार में क्या करो, 10 बार उसको पढ़ो, 5 बार नई चीज पढ़ो, 25 बार हो गया, पहली स्लाइड छोड़ दो। अब अगले 25 के लिए, अगली 15 के लिए क्या करोगे, जो सेकंड वाली स्लाइड है उसको 10 बार पढ़ो, 5 बार नई वाली स्लाइड पढ़ो, इस तरीके से करना है। यानी पुराने को और नए को साथ में लेके चलना है आपको। ठीक, 25 टाइम्स आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा बिल्कुल, राइट। अच्छा थोड़ा साइड में हट जाएं, ओके जी साइड में हट गए, आप ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब देखिए ना, अच्छा आपको करंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं लेना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ करंट अफेयर्स का कंप्लीट बैच आ रहा है। चलिए ये देखिए, ये हो गया थर्मल पावर प्लांट, ये भी हो गया, स्टेट वाइज है, आपको सारे स्टेट वाइज आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद ये थर्मल पावर प्लांट्स की लिस्ट हो गई। अच्छा अब आपको देखिए इसमें क्या करना है, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की इन्फॉर्मेशन है, थर्मल पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब जीता गया है, कब खेला गया, कनाडा और यूएस के बीच में खेला गया 1844 में, खत्म बात। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया है 1877 में, इन दो चीजों के अलावा और आपको इस स्लाइड से कुछ नहीं देखना। फिर आ रहे हैं हम इसके बाद, यहां पर देखिए किस
टाइम पर कौन सा वर्ल्ड कप हुआ है आपको ये सब नहीं देखना है, ये तो खाली आपके मजे के लिए मैंने डाला हुआ है कि भाई कितनी बार इंग्लैंड जीती है। अगर कभी आपको मूड हो ना देखने का कितनी बार ये क्या बोलते हैं वेस्ट इंडीज जीती, कितनी बार इंडिया जीती, ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है, पाकिस्तान कब जीता था, ये देखने के लिए डाला है। वैसे क्या है, आपको सिर्फ पहला वाला देखना है और भारत कितनी बार जीता है आपको ये देखना है, ठीक है। और उस टाइम में कौन कौन रनर अप था, कौन होस्ट था, और यहां से ये जितने भी वर्ल्ड कप आज तक हुए हैं, और 2023 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया विल बी होस्टिंग, 2023 का दिस वन द वर्ल्ड कप, और ये वाला कौन है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, कौन जीता, इंग्लैंड। क्लियर, कहानी समझ आ गई ना, डाउट तो नहीं है, आइए। अरे बैक, वाह जी वाह, अरे बैक हमें नहीं करना है, बैक आपको करने लगे थोड़ा सा लेक्चर पीछे, हम थोड़ी ना बैक करेंगे, आइए। अच्छा इसके बाद एक और चीज देख लेना, ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए है, जो याद करना है, मतलब इसको देखो कंपाइलेशन ऐसा है कि आपको देखने में मजा आएगा। एक्चुअल में क्या देखना है कि जब क्रिकेट की पहले वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी ना, तब कितनी टीम्स थी, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका पहली बार कब आई है, यहां पर इंडिया कब आ रही है, इंडिया 75 से ही थी आपके पास, 2015 में अफगानिस्तान आई है, ये पूछता है कब कौन सी टीम आई है, पूछता है, अभी सीपीओ में भी पूछा था, सीएचएस में पूछा था कि अफगानिस्तान की टीम 2016 में सवाल था ये, अफगानिस्तान की टीम कौन से ईयर से क्रिकेट में प्रवेश करी है, तो आपके पास ये हो गया। सारे नहीं याद करने हैं, बीच वाले कुछ भी नहीं, ना ये पूछेगा ना ये पूछेगा, ये पूछ सकता है और ये इसके लिए पूछ लेगा, एक बार आए थे उसके बाद चले गए, ये पूछ सकता है सिर्फ बांग्लादेश के बारे में, ना स्कॉटलैंड पूछेगा, ना नामीबिया, ना बरमूडा आइलैंड, सिर्फ जिसपे मैंने सर्कल करा हुआ है सिर्फ वो पूछेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक। आइए, देन एंशिएंट नेम ऑफ सिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा। पहले रांची को क्या बोलते थे, पहले किशनपुर बोलते थे, वाराणसी को बनारस बोलते थे, गुरुग्राम को गुड़गांव बोलते थे, पटना को पाटलिपुत्रा, जो पहले पाटलिपुत्र था वो आज पटना हो चुका है, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बोलते थे, देन इंद्रप्रस्थ को क्या बोलते थे, दिल्ली बोलते थे, शिमला बन गया शिमला, मद्रास बन गया तमिलनाडु, ये चेन्नई बेसिकली वो एरिया ही पूरा मद्रास प्रोविंस कहलाता था, जो प्रोविंस बाद में तमिलनाडु के नाम से कन्वर्ट हो गया, जब तमिलनाडु बना तब भी मद्रास था लेकिन नाम उसका चेन्नई कर दिया गया था, और पहले तमिलनाडु जितना ही बड़ा ब्रिटिशर्स के टाइम पे पूरी प्रोविंस थी जो कि तमिलनाडु जितनी बड़ी थी और उसका नाम था मद्रास। आइए, ये आपके सारे करंट नेम और एंशिएंट नेम की आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आ गई है, ठीक। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, ये लास्ट, ये आज का आपका स्टैटिक का है, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हमारे सामने आ रही है और वो है मैं खुद। लो जी आ गए हम, ल्यूसेंट स्टैटिक जी कंप्लीट कोर्स फ्री पीडीएफ डेली, लो अब आप इसके ऊपर बोलेंगे। आज देखो, आज मेरा क्या ना 11 बजे के बाद आज कोई क्लास नहीं है, तो आज 11 बजे के बाद बैठ के पीडीएफ वीडीएफ सब इकट्ठा करूंगा। आ जाओ, चीफ मिनिस्टर मिजोरम के कौन है, जल्दी से बताओ, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, आओ 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 जल्दी जल्दी बताओ, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम इज, बताइए, कम ऑन, बताया था ये तो, पढ़ाया था, हाँ देखता हूँ जरा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, बहुत सही। मैथ्स की क्लास कब होगी, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, ओके ओके, एडेड मैथ्स क्लास, ओके, ओहो हो, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे रे, कौन बोला, नवीन पटनायक कौन बोला, बाबा वो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा और मिजोरम को मिला दोगे कैसा काम चलेगा यार, ये उड़ीसा, ये कहां के हैं, ममता बैनर्जी वेस्ट बंगाल, विजय रूपानी गुजरात, कौन बचा, लाला थानवाला, ठीक है, लाला थानवाला कहां के हैं, आइए ये आ जाते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, आइए कितने लोग का सही है जरा देखूं, ओहो सही है, क्या बात है, गुड, आओ, लेकिन कुछ ही लोगों का सही है, सबका नहीं है, इस गुड के लायक बहुत कम लोग हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, मैंने ये थोड़ी ना कहा था सिर्फ उसमें से पूछूंगा, मैंने कहा था उससे रिलेटेड पूछूंगा, उससे रिलेटेड सवाल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट अपॉइंट होने की मिनिमम उम्र क्या होती है, बताइए। देखिए मुद्दे की बात है कि अगर मैं चाहूं आज तो मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं, मुझे कोई बनाएगा नहीं लेकिन मैं बन सकता हूं, क्योंकि मेरी उम्र 25 साल से ज्यादा है, ठीक है। विधानसभा में इलेक्ट होने की उम्र कितनी होती है, 25 साल, 25 साल से ज्यादा मेरी उम्र है, इसलिए मैं अगर चाहूं तो बन सकता हूं चीफ मिनिस्टर, ठीक, आओ चलिए, तो समझ आ गया ना, 25 इयर्स इज द एज फॉर विधानसभा, विधानसभा कह रहा हूं मतलब स्टेट की जो होती है विधानसभा, वहां आप इलेक्ट होने के लिए चाहिए होता है और आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं फिर आराम से, ठीक है, बढ़िया। आओ नेक्स्ट पर आते हैं, अरे रुको रुको रुको, कनेक्शन लॉस हो गया, आइए तब तक आप अगले सवाल पर आइए।
कनेक्शन लॉस हो गया कमेंट्स का मेरे. मिल गया. हाँ जी, यस. चलो अगले सवाल पर आ रहे हैं, नेक्स्ट पर आ रहे हैं. स्टैटिक जीके से हो जाएगा क्रैक? नहीं भैया, वो और पढ़ना पड़ेगा. कौन सैलरी और अलाउंसेस चीफ मिनिस्टर की कौन तय करता है? मैंने आपको चीफ मिनिस्टर और स्टेट बताया था ना, मैंने कहा था उससे रिलेटेड सवाल ही पूछूंगा, उसी से रिलेटेड है. गवर्नर बताएगा, लेजिस्लेचर बताएगा, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. योगी जी कितना पैसा पाएंगे ये कौन बताएगा? योगी जी कितना पैसा बताएंगे ये कौन बताएगा? देखिए कायदे से समझिएगा, एक्चुअल में क्या होगा. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. पार्लियामेंट ना जी. जोराम थांगा, हाँ जी. आई गेस मैंने इसमें, हमें इसमें से देखना, आउट ऑफ दीज जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमें बताना है कि एक्स वाले कौन थे. अगर मान लो उसने रीसेंट नहीं दिया तो आपको एक्स सीएम का नाम बताना पड़ेगा अगर ऑप्शन में वो दिया हुआ है. पार्लियामेंट कभी नहीं बताती यार, चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, कैसी बात कर रहे हो? चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, ठीक है ना. बताता है लेजिस्लेचर, फाइन करता है फाइनल गवर्नर, ठीक है. बनाता है इनके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर और साइन करते हैं गवर्नर साहब. क्लियर हुआ? चलिए आइए अगले सवाल के ऊपर आ रहे हैं. नेक्स्ट सवाल हमारे पास कहां पर आया है? विजय स्तंभ. मैंने आपसे जहां जहां ये एसोसिएटेड है ये भी पूछा था, विजय स्तंभ जो है वो कहां पर सिचुएटेड है? विजय स्तंभ आगरा, जयपुर, दिल्ली, चित्तौड़ मॉन्यूमेंट्स, और वो कहां कहां सिचुएटेड है ये भी सवाल आपको बताने हैं. विजय स्तंभ जो है वो कहां सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड इन चित्तौड़. कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है? ओके ओके गुड. चलिए ओके ओके बहुत बढ़िया यार, डी तो बहुत सही, कई लोगों का सही आ रहा है. ओहो, जयपुर में कहां लेके चले गए चित्तौड़ को? जयपुर में नहीं है यार, कुछ भी कहीं भी लेके जा रहे हैं आप तो. आइए यहां पर आइए, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये मैं क्यों ऐसे सवाल दे रहा हूं, उसका रीजन है, आपको ध्यान रखिए जो भी मैं स्टैटिक करा रहा हूं उसको आपको एक तो डेली पढ़ना पड़ना है, साथ में आपके पास कोई भी एक स्टैटिक की किताब है उसको भी एक बार नजर डाल लो उसके ऊपर. सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है जल्दी से बताइए. वेयर इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन दिल्ली. ये वो सवाल है जो कि इधर एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर है, तो ये वो क्वेश्चन है. सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां जाएगा? दिल्ली. आइए नेक्स्ट पर आते हैं. अगला सवाल कहां आया? सांची स्तूप कहां पर है? ये मैंने हिस्ट्री के सेशन में भी बताया है. सांची स्तूप कहां पर है यार? ये तो मेरे पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, ये तो मेरे पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, जल्दी से बताना. वेयर इज सांची स्तूप? प्रखर जायसवाल, वेरी गुड. अर्चित सेन, बहुत बढ़िया. सरोज पुनिया, वेरी गुड. ओ शहबाज, स्किप, नहीं अटेंड करेंगे. चलिए ठीक है, यहां पर बताइए. अच्छा सांची स्तूप किस में है? लेकिन हर सवाल नहीं स्किप होगा, 20 में आपको बताने होंगे कितने सवाल आपके सही है. फाइनली क्विज होगा ना जी. सोनू कुमार, वो पूरा तो नहीं है, जो चल रहा है उसी को ले लीजिए, बाकी आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. बहुत बढ़िया यार, सांची स्तूप कहां पर है? भोपाल पे. ये कितने लोगों ने सही बताया? सुपर. कुलदीप दुबे, अनुराधा अग्रवाल, वंडरफुल. शहबाज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. डेविल चौधरी, बहुत सही. आइए चलिए अगले सवाल के ऊपर आ रहे हैं. भोपाल इज द करेक्ट आंसर. इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटमिक रिसर्च कहां पर है? ये मैं वो चीजें दे रहा हूं जो मैं आपकी अपनी स्टैटिक की नॉलेज कितनी है वो देख रहे हैं हम. ट्रांबे में, टलचर में, कलपक्कम में या काठागुड़ान में? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटमिक रिसर्च बताइए. कमान कमान कमान, थैंक यू, दैट्स गुड टू नो, वंडरफुल. आ जाओ, ये कहां पर है यार? देखो पहली चीज तो ये है, एटमिक रिसर्च है. एटमिक रिसर्च कहां पर है हमारे पास? दिस इज इन कलपक्कम. इंदिरा गांधी एटमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? कलपक्कम में. दिस इज द स्टैटिक जीके पार्ट, ये आपको चीजें मालूम होनी चाहिए. मैंने आपको क्या बताया था? न्यूक्लियर पावर स्टेशन बताए थे. यहां पूछा क्या गया है? एटमिक रिसर्च स्टेशन बनाए पूछे गए हैं. पीडीएफ क्यों नहीं मिली? इसीलिए क्योंकि जो चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हैं उसमें जो और एडिशन होना है थोड़ा बहुत, उन एडिशन के साथ आपके पास पहुंचेगी इसीलिए. और ये अंतर पता चला, क्वेश्चन कैसे डिफरेंट होते हैं. मैंने क्यों आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन का क्वेश्चन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप लोगों को लगता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी वही है, एटमिक रिसर्च स्टेशन भी वही है, सारे काम एक ही जगह पर होते हैं, दोनों से सेम होती है, अंतर तो कुछ है ही नहीं. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. आपकी फाइल में यह नहीं था जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि वहां पर मैंने आपको सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पर आइए, अगले सवाल पर आते हैं. यहां पर आइए, कहां गया? हां, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? यार ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? कितने लोग बताएंगे इसको? ओके ओके, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? वेरी गुड. पुणे, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा या फिर थिरुवनंतपुरम? क्विक क्विक क्विक, आपको एक, चलो वो नहीं दूंगा यार,
हिंट दे दूं, ये केरला से रिलेटेड है, मेरा हिंट दे रहा हूं, देखता हूं हिंट के बाद कितने लोग बता पा रहे हैं। बी सी श्रीहरिकोटा। अरे नहीं ना, किसको कंफर्म है ये बताओ, किसको कंफर्म है, एकदम कंफर्म किसको है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है किसको एकदम कंफर्म है, तिरुवनंतपुरम या फिर श्रीहरिकोटा? बताइए विक्रम, ये श्रीहरि, दिस वन, तिरुवनंतपुरम या फिर श्रीहरिकोटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। केरला में बोल तो रहा हूं जबकि आपको केरला से रिलेटेड है, श्री तिरुवनंतपुरम, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर इज इन तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट पर आइए, अब कल एग्जाम हो जाए तो पता ना, यहां से कटेगी कल एग्जाम हो जाए तो आपका। द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये तो बड़ा फेमस है, रॉक गार्डन कौन सी जगह पर स्टैब्लिश है, कहां पर है रॉक गार्डन, बताइए। गुड, ओके, यहां कितने लोग गए हैं, कितने लोग गए हैं यहां? देखो हमारे शहर में तो नहीं है, ये है हमारा शहर और यहां पत्थरों का गार्डन कुछ नहीं है। हाँ मायावती जी के हाथी बहुत सारे हैं हमारे वहां पर, पत्थर के हाथी बहुत हैं हमारे पास। तो द करेक्ट आंसर क्या आता है यहां पर? चंडीगढ़। वैली ऑफ फ्लावर्स पूछता है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है? अपन बोलेंगे कहां पर है, नैनीताल में, नैनीताल के ऊपर, वैली ऑफ फ्लावर्स। आइए उत्तराखंड में आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर आते हैं। कांडला इज सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच, इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो कांडला है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से मैं पूछ रहा हूं। कांडला इज सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ कच, इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेंटर फॉर मरीन फूड प्रोडक्ट्स, कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स, या फिर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री? बताओ आंसर। देखिए कांडला पोर्ट जो है, सही, गुड, ठीक है ठीक है, ओके। चंडीगढ़, चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ हो गया, आगे तो बताओ अभी कांडला पोर्ट में क्या होता है। देखिए मरीन फूड प्रोडक्ट्स कांडला में नहीं होते, कांडला में कहाँ, गल्फ ऑफ कच वैसे भी इतना सलाइन एरिया है, इतना ज्यादा सलाइन एरिया है, यहाँ पर मरीन फूड प्रोडक्ट्स नहीं होता। कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स, ना जी, ये कहाँ पर होता है, ये होता है सूरत में, ठीक है। ये कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स कहाँ पर होता है, सूरत में। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, ब्रेकिंग इंडस्ट्री क्या है, नहीं कुछ नहीं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज द करेक्ट आंसर, और बहुत फेमस कांडला की एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है यहाँ पर। Which is the first largest hydropower project in India? Very good question यार। सबसे पहला, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? बताइए। और famous है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। This is a famous one। Okay, okay। Static GK CHSL कितना परसेंट सिलेबस कवर होगा? यार बहुत, डेली का डेली Static GK की क्लास होती है रात में। इसका बताओ, बाकेश्वर है, गिराल है, परिच्छ है, या फिर शिव समुद्रम? बहुत बढ़िया अभिषेक धातवाल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अंचित सैन, मोहित उपाध्याय, आप लोगों ने दिया है एकदम सही जवाब। अनफॉर्चुनेटली जवाब के लिए आपको कुछ मिलता नहीं है एक्सेप्ट शाबाशी के। द करेक्ट आंसर है शिव समुद्रम, ठीक। शिव समुद्रम डैम है जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ, ऊपर से झरना गिरता है, टर्बाइन को ऐसा गोल गोल घुमाता है, और टर्बाइन पीछे जुड़ी होती है किससे, रोटर से। वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसा ऐसा घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक। कैसा भी पावर, ध्यान रखना, कैसा भी पावर प्लांट हो वो काम एक ही होता है, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो जियोथर्मल हो, चाहे वो हाइड्रो हो, टर्बाइन घुमाना। टर्बाइन घूमेगी तो बिजली बनेगी, हर पावर प्लांट में सिर्फ टर्बाइन घुमाना ही होता है मेन काम। आइए अब वो किस तरीके से टर्बाइन घुमा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। आइए नेक्स्ट पर आते हैं, यहां पर हम, When was the National Hydro Electric Corporation established? क्यों, मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट भी तो बताए थे। हाइड्रो पावर प्लांट को स्टैब्लिश, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, ये तो मालूम ही होना चाहिए फिर, अगर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो। बताइए, वेरी गुड सर, मैथ्स की क्लास कब है दोस्त? आज नहीं है मैथ्स की क्लास, आज नहीं है। हां जी शिवन समुद्र, वही है मानस, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। एनएचसीबीसी ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जब 1975 में, 1975, मैं सोच रहा था कोई इंपॉर्टेंट इवेंट उससे याद करूं, तो ये 1975 में आपका एनएचपीसी आया था। इस समय क्योंकि इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत तेजी से जोर था, बहुत तेजी से हैवी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी और उनको हैवी पावर की जरूरत थी। सो एक ऐसा कॉर्पोरेशन डिमांडेड था जो कि जितने भी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जितना भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत तेजी से बूस्ट कर पाए, ताकि जितनी हैवी इंडस्ट्रीज इंडिया में आ रही थी उनकी पावर डिमांड को मीट किया जा सके। इसके लिए लाया गया था एनएचपीसी 1975 में, ठीक। आओ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। विच पर्सन इज कॉल्ड सेंट ऑफ द गटर्स?
इनमें से किसको सेंट ऑफ द गटर्स की उपाधि दी गई है? सेंट ऑफ द गटर्स की उपाधि दी गई है। भारत में ये फेमस है, भारत में ये फेमस है। खगेश्वर, गुड, वेरी गुड। भारत में ये फेमस है। इनमें से किसको सेंट ऑफ द गटर्स? यार देखो, चंगेज खान को सेंट ऑफ द गटर्स तो नहीं बोलेंगे। एक एस्टिमेट है कि दुनिया में हर आठवीं या दसवीं संतान चंगेज खान की है। तो इनके इनकी शादियां इतनी थी, इनकी लगभग लगभग 5000 तो इनकी बीवियां थी, यानी अगर 5000 या कुछ 1200-2000 के आसपास, यानी लगभग लगभग 6 साल भी अगर ये किसी अभी कभी किसी वाइफ के पास है, कभी किसी वाइफ के पास है। एंड ही हैड लॉट्स एंड लॉट, इतनी संतानें थी कि इन्हीं को नहीं पता था कि इनकी संतान कितनी है चंगेज खान की। तो ये तो हो नहीं सकते, कुछ भी हो जाए सेंट तो नहीं बोलेंगे। महाकवि कालिदास, शंकराचार्य, मदर टेरेसा, सेंट ऑफ द गटर्स इसलिए मदर टेरेसा को बोलते हैं क्योंकि उनका जो वर्क था वो डाउन ट्रॉडन के था, समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, उनके पास गरीबी बहुत ज्यादा है, उनके लिए काम करती थी। तो सेंट ऑफ द गटर्स का नाम दिया गया था, इनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पर आ रहे हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ गुजरात? फादर ऑफ गुजरात किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण सिंह, रवि कृष्ण महाराज, महाराणा प्रताप गुप्ता या जय कृष्ण भट्टाचार्य? ये पता नहीं यार, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्यों, क्या चीज थी, अभी सब बताता हूं। एक बार आ गया है ये। ओके ओके ओके, देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, आपने ये सुना है कि मैंने कल आपको पढ़ाया था 1956 में लिंग्विस्टिक आधार के ऊपर स्टेट्स को बनाया गया, तब गुजरात अलग स्टेट नहीं था। 1960 में गुजरात की स्थापना हुई है, गुजरात एज अ स्टेट बना है 1960 में। इनमें से कोई एक ऐसे इंसान है जिन्होंने गुजरात की स्थापना कराई है, बताइए कौन है? कम ऑन, हाँ, ओके ओके ओके, द करेक्ट आंसर इज रविशंकर महाराज। गुजरात के जो फाउंडर है ना, इनका नाम है। क्यों ये वाला क्वेश्चन दिया? क्योंकि देखिए मोदी जी गुजरात से आते हैं, आजकल रिलायंस और अडानी दोनों ग्रुप बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये भी कहां से आते हैं? मुकेश अंबानी, अगेन दे कम फ्रॉम गुजरात। तो इसलिए यहां पर गुजरात के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूरी है। 1960 में फॉर्मेशन हुआ, रविशंकर महाराज इन्होंने इनॉग्रेशन किया था गुजरात की, जब फाउंड हुआ था वो, राइट। बहुत बढ़िया यार, अच्छे से आ गया ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, अगली क्लास पे, अगले सवाल के ऊपर आते हैं। देखिए, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? यार ये तो बता दो, मतलब अब इसको नहीं बताया तो फिर क्या बताऊं। ठीक है, वेरी गुड, कम ऑन। हाउ टू स्कोर 40+ इन जीके? आप पूरा सिलेबस खत्म करिए, करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके के ऊपर बहुत बढ़िया होल्ड रखिए और आप आराम से 40+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक। चलिए, हां जी, ओके ओके ओके, यहां पर क्या आ जाएगा? समुद्रगुप्त, हु इज नोन नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त इज नोन एज दिस वन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट पर, यहां पर आते हैं, द नेक्स्ट आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वुड बी हेल्ड इन? ये भी आपको कल बताया गया था। नेक्स्ट आईसीसी, नेक्स्ट का मतलब कौन सा? अब जो होने वाला है, कौन सा? टी ट्वेंटी की बात कर रहा हूं, T20 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहां पर होगा? T20 की बात कर रहा हूं, कम ऑन, T20। देखो ध्यान से समझना, वर्ल्ड कप की बात नहीं है, ध्यान से समझना, ये वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, आईसीसी मेंस क्रिकेट यानी T20 की बात हो रही है। दिस विल बी हैपनिंग इन कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। और वर्ल्ड कप कहां पर होगा? वर्ल्ड कप कहां पर होगा, ये मैंने कल पढ़ाया था। अगला वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? यार ये सही सही बता देना, कल ही ना बताया था ये पूरा, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए एक मिनट रुकना, मेरा बैटरी क्यों लो दिखा रहा है यार इसमें, ठीक है, चलिए ओके। हाँ, अमरदीप चौधरी, सांची स्तूप इज लोकेटेड इन गया? क्यों भाई, मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप, गया कब पहुंच गया? गया कब पहुंच गया सांची स्तूप? नेक्स्ट ये क्या बार आ जाएगा? ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है अमरदीप चौधरी ना जी। और वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? इंडिया 2023 में। 2023 में कौन कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड कप को? इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी? T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया, और जो वर्ल्ड कप है दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2023, ठीक। ये 2023 में कौन करेगी? इंडिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर आ रहे हैं, अगले सवाल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट वन अ सिंगल टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप इनमें से कौन आज तक कभी नहीं जीता? यार क्रिकेट का सवाल तो मत गलत करो, क्रिकेट का सवाल कोई नहीं गलत करेगा, मतलब समझ रहे, धर्म विरुद्ध बात हो जाएगी यार। क्रिकेट क्रिकेट नहीं है, हम इंडिया में हैं, क्रिकेट पूरा धर्म है, बताइए।
और एक और चीज बता दूं, ये एक हिंट के लिए बता दूं जिन्हें नहीं मालूम है, हिंट के लिए बता दूं, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ओके डेविल, आई विल चेक इट अप। हां जी नहीं, वहां पर पॉलिटिक्स चल नहीं रही है मानशु, वो सेशन एंड हो चुका है, बहुत बढ़िया यार, बहुत सही। अरे रे गलत है, गलत है, गलत है, अभी भी गलत जवाब है, ना ना। और कोई, और कोई? ठीक, नोप्स, देखिए समझिएगा, नहीं पाकिस्तान, नहीं, और भी, और अच्छा ये बताना, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता ये बताइए। मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आईसीसी टी20। और मैं एक हिंट देता हूं आपको यार, ऑस्ट्रेलिया ने ना सब वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम जीता है और एक भी टी20 टाइटल नहीं जीता है। वर्ल्ड कप इन्होंने जीता हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वर्ल्ड कप जिसने जीता है वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन टी20 टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीता है। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। ये कौन था? सुशील कुमार, आपका जवाब है एकदम सही, श्रीलंका नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ईशु सिंगल एंड सुशील कुमार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट पर आ रहे हैं, ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया हैज नॉट वन अ सिंगल आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जबकि मोस्ट 5 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर फॉर्मेट वाले, जो कंप्लीट वर्ल्ड कप फुल फ्लेज्ड क्रिकेट होता है, उसमें ये जीत चुके हैं 5 बारी। आइए नेक्स्ट पर आ रहे हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नया नाम क्या है, ये आप लोग आराम से बता सकते हैं, ये क्या नाम है, ये तो सब लोग बता लेंगे बहुत आराम से, कमॉन, वेरी गुड, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही प्रखर, बहुत बढ़िया, हां जी थानोस, एकदम करेक्ट आंसर, अरुण जेटली स्टेडियम। ये जब अरुण जेटली जी खत्म हुए थे तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के रूप में क्या किया गया था, उस समय डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे आपने जो देखा होगा इंडिया टीवी के जो एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ जो है रजत जी, तो उनके दो ये और ये क्लास फेलो रह चुके हैं अरुण जेटली और वो, तो डीडीए के अंडर में ये स्टेडियम आता था, तो उन्होंने इनको श्रद्धांजलि स्वरूप क्या किया था, ये स्टेडियम उनके नाम पर रखवा दिया था, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक, आइए नेक्स्ट पर आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट इन इंडिया, इनमें से कौन सी ट्रॉफी जो है वो भारत में क्रिकेट के लिए इस्तेमाल नहीं करी जाती है या नहीं दी जाती है, बताइए आंसर, ओके यार ये ऐसा है कि आप आराम से बता सकते हैं, हां जी रजत शर्मा, वेरी गुड, इनमें से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए नहीं दी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी या सिर्फ दुलीप ट्रॉफी, गुड गुड गुड। अच्छा ये जो सेशन है इसका टाइम है रात में 8:30 बजे, और आप लोगों की जो मैथ्स की क्लास है, जो लोग भी मैथ्स की क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं फ्री स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जो मेरी किरण सीरीज जो मेरी शुरू हो रही है वो कल सुबह 10:30 से हो रही है, मॉर्निंग 10:30 AM से कल से किरण सीरीज है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट रिलेटेड, अरे यार संतोष ट्रॉफी, हाँ फुटबॉल की ट्रॉफी होती है ना, ये तो फुटबॉल की ट्रॉफी होती है, कहां से इसमें आपने बैट बल्ला कहां से ले आया, इसमें संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू दी फुटबॉल ट्रॉफी। ठीक, गुड, आगे बढ़े, न्यू नेम चेंज इन इंडिया, आई टेक इट अप खड़गेश्वर। ठीक है, जिसको जो भी स्टैटिक का आपको कोई भी सेशन चाहिए, जो आपको लगता है कि यार मेरे को स्टैटिक जीके का ये वाला सेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में नीचे वीडियो खत्म होने के बाद डाल दिया करो, तो मैं उसको क्या करूंगा, आई टेक इट अप और नेक्स्ट सेशन या उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर अकोमोडेट कर दूंगा उस चीज को। ठीक है, आइए अब हमारे किसके ऊपर अगला सवाल आ रहा है हमारा, हु हैज वन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, किसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है, बताइए। हां सर जेटली क्यों दिया, जो भी पॉलिटिशियन होगा उसके नाम से स्टेडियम, नहीं थानोस इसलिए नहीं होता है, वो इसलिए था क्योंकि जो उस समय मैंने बताया ना, रजत शर्मा वाज लीडिंग द डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सॉरी दिल्ली क्रिकेट वाला जो है, डीडीए बोल रहा हूं यार, जो दिल्ली क्रिकेट वाला अथॉरिटी है ना, उसके चेयरमैन थे वो, प्रेसिडेंट थे बेसिकली, तो और ये और वो काफी अच्छे दोस्त थे अरुण जेटली और वो, तो इसलिए नाम उन्होंने वो करवाया था स्टेडियम का। हाँ आओ चलो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल आपके पास आ रहा है, तो क्विज ऑफ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है ये, आइए पहला सवाल आ रहा है, महावीर हरिन वनस्थली नेशनल पार्क कहां पर, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ये जो चीजें है ना ये मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो वनस्थली वाला जो ये पार्क है ये कहां पर लोकेटेड है, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, बताइए कमॉन क्विकली, I'm good, thank you. स्टेनो के लिए डेफिनेटली है, मैं स्टेनो पता नहीं क्यों भूल जाता हूं, पता नहीं क्या मेरे दिमाग से ना स्टेनो निकल जाता है यार हमेशा, ओके चलो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर त्रिपुरा, किसी का आंसर नहीं आया,
क्लास का पढ़ाया सवाल है, ऐसा तो मत करो भाई। चलो 50-50 कर दें, 50-50 कर देता हूं। तो अब यार ये मत बोलना मैंने 50-50 करा, आप बोल रहे हैं सर एक काम करो दूसरी लाइफलाइन चुनता हूं, फ्लिप द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही हटा दो और दूसरी कैटेगरी का सवाल लाओ, ये छोड़ करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी क्या करेंगे, तेलंगाना, ठीक है आइए चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पर आप हैं तेलंगाना इसी करेक्ट आंसर, यहां पर आएंगे AFP इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है ना, न्यूज एजेंसी और कंट्री और उसकी न्यूज एजेंसी कौन सी होती है, कंट्री एंड न्यूज एजेंसी बताइए। AFP कहां की न्यूज एजेंसी है, न्यूज एजेंसी ऑफ, अरे सिंपल है ना यार। अच्छा इसमें हिंट दूं, पता है इसका आंसर है यहीं पर, इसका आंसर जो दिख रहा है ना वो है यहीं पर, ये हिंट है ठीक। AFP इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ, हाँ हाँ तेलंगानी है, बिल्कुल सही है। इस यहां पर आ जाएगा आपका है, उड़ने लगता है ये तो, फ्रांस, एफ बोले तो फ्रांस, ठीक है। AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ फ्रांस, अगर मैंने अभी तक नहीं दिया है तो आज दे दूंगा। कंट्री और उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज चैनल होते हैं, जैसे इंडिया का DD इंडिया है, ठीक है ना, जैसे लंदन का BBC है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसीज होती है वर्ल्ड लेवल की, ये आपको मालूम होनी चाहिए। AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ फ्रांस। आगे आ रहे हैं, यहां पर आते हैं, इन विच ईयर इंडियन आर्मी वॉज एस्टैब्लिश्ड, भारतीय सेना कौन से वर्ष में स्थापित हुई थी, बताइए भारतीय सेना कौन से वर्ष में स्थापित हुई थी। आपको हिंट, जब हिंट चाहिए हो तो बताना, हिंट चाहिए हो तो बताना। सर नोट्स कहां पर दिए हैं, अरे डेली तो पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, आज भी पढ़ाऊंगा, MCQ कराऊंगा, फिर नोट्स दिखाऊंगा, फिर नोट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी यार, स्पीड अच्छी रखो, बेकार आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1947 नहीं, 1905 नहीं, 1900 नहीं, इंडियन आर्मी जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से आ गई थी और वो भी काफी पहले, तो 1895 में ही, 1900 के भी पहले इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश हुई थी। वो कब थी, बेसिकली ये जो क्राउन में, जब क्राउन के कंट्रोल में आ गया था ना इंडिया, जब क्राउन के कंट्रोल में आ गया था इंडिया, तब की बात है ये, 1895। नेक्स्ट पर आ रहे हैं, आइए यहां पर आ रहे हैं, अ डोनर हैज AB ब्लड ग्रुप, विच पेशेंट और पेशेंट्स बिलो कैन रिसीव दिस टाइप ऑफ ब्लड सेफली। बहुत बढ़िया सवाल है ये, ब्लड ग्रुप वाला भी, आज की स्टैटिक फाइल में मैं आपको ब्लड ग्रुप वाला भी दे दूंगा। बताइए इनमें से अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो कौन कौन रिसीव कर सकता है, और उसका कौन सा है, AB- है, AB- है यार, अब बताना कौन कौन रिसीव कर सकता है, O-, A-, B- या फिर पेशेंट विद AB नेगेटिव। बहुत आसान है यार, जिसका सेम ब्लड ग्रुप होगा वो तो रिसीव कर ही सकता है ना, बहुत आसान सवाल है ये। हाँ अगर सवाल यहां थोड़ा एंटीजन में पॉजिटिव डाल देता तो फिर ये टेढ़े हो जाते। चलो आगे आ रहे हैं, यहां पर Reuters is the news agency of, ये तो बहुत फेमस है, Reuters is the news agency, Reuters किसकी न्यूज एजेंसी है इनमें से, बताइए USA, UK, Ireland या फिर स्विट्जरलैंड, करेक्ट आंसर। कल देख रहा हूं कितने लोग का है सही आंसर, बताइए हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस करेक्टली। हाँ 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 ठीक है, ओके ओके, इसमें देख रहा हूं 3 और 4 में कितने लोग गलत करेंगे, मेरे को मेन टास्क ये है कि 3 और 4 में कितने लोग गलत करते हैं ये देखना है। ओके वेरी वेल, द करेक्ट आंसर इज, अरे सही यार, बहुत बढ़िया, ऐश्वर्य नायर एंड अनुराग भदौरिया, यू गाइस हैव डन ग्रेट। Reuters जो है वो UK की न्यूज एजेंसी है, ठीक। AFP कहां की है, फ्रांस की है, Reuters कहां की है, UK की, याद करते चलना ये साथ साथ। नेक्स्ट पर आ गए यहां पर, व्हाट ब्लड टाइप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, कौन से ब्लड ग्रुप को अपन यूनिवर्सल रिसीवर नहीं डोनर बोलते हैं, ये भी मालूम होगा, कम ऑन स्पीक अप, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, करेक्ट आंसर मेरा ओ, जो ओ होता है, और स्पेसिफिकली ध्यान रखना यार, ओ नेगेटिव, SSC ओ एक्सेप्ट करता है, लेकिन सही एग्जैक्ट सही आंसर है ओ नेगेटिव, ठीक। वैसे सही एग्जैक्ट आंसर क्या है, ओ नेगेटिव, राइट, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है क्यों ऐसा होता है, ठीक है। आ जाओ, PTI इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, PTI कहां की न्यूज एजेंसी है, PTI कहां की है बताइए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इंडिया, श्रीलंका या इनमें से कोई भी नहीं, PTI कहां की न्यूज एजेंसी है, कूल, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI जो है इट्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत की न्यूज एजेंसी है। आगे आएंगे, यहां पर बताएंगे इनमें से कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है, इनमें से कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है, बताइए क्विक क्विक क्विक। हाँ ओके ओके ओके, आपका वो पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, मेरा भी पॉजिटिव है, ठीक है, वेरी गुड यार, विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, इसका नाम क्या होता है, बेरी, विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायामिन, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायामिन। आगे आ रहे हैं, इनमें से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ACDK, इनमें से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बताइए, कम ऑन, गुड, वेरी गुड, अरे B12 नहीं है यार, B1 है, इट्स B1, ठीक है,
B1, इनमें से कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन के. विटामिन के आयंस जो होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं वहां पर क्लॉट बनने में. अगर मान लो किसी का कट गया तो खून बहता जाएगा, तो क्लॉट जमना बहुत जरूरी होता है ताकि ब्लड लॉस ना हो. नहीं तो पता चला 2-3-4 लीटर खून बह गया तो मामला ही बिल्कुल एकदम गड़बड़ हो जाएगा. विटामिन के इज द करेक्ट आंसर. आइए, विटामिन के आयंस का रिक्वायरमेंट होता है. आपने एक और चीज देखी होगी यार, सुनो, आपने एक और चीज देखी होगी. आपने देखा जब दाढ़ी बनाते समय, जब पुराने जमाने में क्या होता था, अगर कट जाता था, छिल जाता था ब्लेड से, तो फिटकरी लगाते थे. एलम होता है. एलम में होता क्या है, पोटेशियम आयंस आ जाते हैं. वो जल्दी से क्या करते हैं, पोटेशियम आयंस यहां पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग यहां पर बन जाती है. ठीक, आओ यहां पर आ रहे हैं. किशनपुर किसका एंशिएंट नेम है? इनमें से किसको पुराने जमाने में किशनपुर के नाम से जाना जाता था, बताइए. किशनपुर को किस नाम से जाना जाता था पहले? करेक्ट आंसर, थंजावुर, मंगलुरु, रांची या फिर ओडिशा. गुड, ओके ओके, चलिए करेक्ट आंसर आ गया आपका रांची. ठीक है, रांची इज द करेक्ट आंसर. रांची का नाम था पुराना किशनपुर. यार ये तो पिछले क्लास में कराया था. अरे नोट्स में, क्लास में दे रहा हूं, क्लास से नोट कर लो ना भाई. अमरावती थर्मल पावर प्लांट कौन सी जगह पर स्टेटेड है? अमरावती थर्मल पावर प्लांट, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था ना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ये भी होना चाहिए था ना इसमें. तो अमरावती थर्मल पावर प्लांट कहां पर आएगा? दिस इज इन महाराष्ट्र. अमरावती दिस वन थर्मल पावर प्लांट इज इन महाराष्ट्र. नोट कर लेंगे. कितने सही हुए 11 में, ये बताना 11 में आपके कितने सही हुए? 11 क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं. कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये बताइएगा. कितने लोग हैं 11 में? 11 वाला कोई है? कोई नहीं होगा. अगर आपके 9 से ऊपर सही है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है. 9+ अगर आपके सही है तो आपकी तैयारी अच्छी है. 8-9 के बीच में 8 और 9 है तो आपकी तैयारी ठीक है, थोड़ा मेहनत की जरूरत है. 7 से कम में आपको मतलब बहुत कुछ, बहुत सारी चीजों की जरूरत है यार. देखिए, ओके, वाह जी वाह, बता यार. अरे रुको, पहले यार तारीफ वाली बात हो रही है, पहले ये पढ़ूंगा. देखिए, आर्यन सिंह का कहना है, मैं तारीफ वाली बात थोड़ा और तेज पढ़ूंगा. सर आज मेरा CPOSI का पेपर है, आपके पढ़ाए में से 35 क्वेश्चन GS में आए, मैथ्स में 45 आए. बढ़िया बात है, बताइए, है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार. चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे आ रहे हैं. ऐसे ही पढ़ते रहिए, सब फंसता रहेगा. सरदार ऑफ वल्लभ, सरदार का टाइटल किसने दिया था वल्लभ भाई पटेल को? सरदार का टाइटल किसने दिया था वल्लभ भाई पटेल को? क्या 7 और 9? क्या, अच्छा ये बता रहे हैं 9 9 9. ओके ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इतना बढ़िया है. ठीक है, सरदार का टाइटल किसने दिया था वल्लभ भाई पटेल को? सरदार का टाइटल दिया था बारडोली की महिलाओं ने. ठीक है ना, बारडोली की महिलाओं ने, जब उन्होंने बारडोली सत्याग्रह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो वहां की महिलाओं ने उनको टाइटल दिया था, सरदार की उपाधि से नवाजा गया था इनको. आइए अगले सवाल पर, नेक्स्ट पर आते हैं. हू अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? बहुत आसान सवाल करा रहा हूं. यार इसमें भी BC BC कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो, इसमें भी बी और सी दोनों कैसे आ सकता है, ये तो आसान सवाल था. कतई मामला चौपट हो रहा है कहीं कहीं पर है. देखो सर, लाला लाजपत रॉय, लाला लाजपत रॉय, खुदीराम बोस, प्रोपल्ला चापेकर एंड खान अब्दुल गफ्फार खान. खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? इनका टाइटल था, इनके दो टाइटल थे. कौन बताएगा मेरे को दूसरा टाइटल कौन सा था? इनका एक टाइटल था खान अब्दुल गफ्फार खान का, क्या था? फ्रंटियर गांधी. और एक और टाइटल था इनका, ये बताइए क्या था? कितने लोग बताएंगे? क्लास का सवाल है ये. ऐसा होना चाहिए पता है, साइड में ना पेटीएम बॉक्स होना चाहिए, हर सवाल 1 रुपए का, जिसने सही बताया 1 रुपए ट्रांसफर, हर सवाल 1 रुपए का. चलिए आइए, अच्छा अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पर आ रहे हैं, यहां पर आइए, इस पर आते हैं. कॉनराड संगम मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो हैं, ये किस पार्टी से एसोसिएटेड हैं? कॉनराड संगम जो हैं, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये किस पार्टी से एसोसिएटेड हैं, बताइए. पार्टी तो आपने याद नहीं करी होगी, है ना, मालूम था मालूम था मालूम था. देखिए NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP बोले तो नेशनल पीपल पार्टी. अच्छा वैसे इसको बहुत आराम से बता सकते थे, क्योंकि यहां तो ना ये पार्टी है ना ये पार्टी है ना ये पार्टी है. ठीक है,
चलिए अच्छा यहां पर आइए, अच्छा आगे आ रहे हैं। आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन, इनमें से कौन सी बिल्डिंग उन्होंने बनवाई है? बहुत आसान है, आज आपका कल आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल गर्त में चला गया था, तो आज उसको अपलिफ्टिंग वाला मामला है आज। और ये भी सवाल आए हुए हैं सारे, तो नॉट टू वरी, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सवाल है, ये भी आए हुए हैं, आसान है लेकिन आए हुए सारे सवाल है। गुड यार, आपको मालूम है चार मीनार उन्होंने नहीं बनवाई, कैलकाटा जॉब चार्नक ने बनवाया, सिडनी ओपेरा हाउस कोई फिरंगी था उसने बनवाया, हमारे पास आंसर क्या आया? प्रेसिडेंट हाउस। ठीक, वेरी गुड। आइए, टाइमिंग जो है क्लास का रात में 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रात में 8:30 बजे, सैटरडे में टाइमिंग अलग है, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास रात में 8:30 बजे होती है। ठीक, ओके जी, चलिए अपने अलार्म लगा लीजिए और मुलाकात करिएगा 8:30 बजे। नेक्स्ट पर आए, आओ अगले सवाल पर चल रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है, लोकमान्य किसका नाम था? लोकनायक किसका नाम था, किसको दिया गया था टाइटल जो है ये बताइए, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकनायक? सो लोकनायक वॉज द टाइटल वॉज गिवन टू जेपी, जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण। ठीक, लोकमान्य, लोकनायक बेसिकली नॉट लोकमान्य, लोकनायक इज द निकनेम ऑफ विच फेमस पर्सन, इट्स जयप्रकाश नारायण, बोले तो जेपी। ठीक, आगे बढ़े, आओ नेक्स्ट पर आ रहे हैं, रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहां पर सिचुएटेड है? रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर सिचुएटेड है ये तो बता दो। हाँ ठीक है, ये हम लोगों ने उस दिन कई बार डिस्कस भी किया था इसको, दिस इज लोकेटेड इन राजस्थान, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि राजस्थान में है। गुड, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये इस वाले में पहली बार ऐसा हुआ, इस वाले में सबसे ज्यादा आंसर आए, सबसे ज्यादा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अगले पर आ रहे हैं, सिक्का थर्मल पावर स्टेशन कहां पर, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सिक्का थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है बताइए, ये भी क्लास का है। सिक्का थर्मल पावर स्टेशन कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में। अगर आप बताओ तो मैं 50-50 आपको लाइफलाइन भी दे सकता हूं, मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा, अगर जिसको जिसको ऑप्शन लाइफलाइन चाहिए हो तो मैं 50-50 की लाइफलाइन पे आपके दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दूंगा, आपके पास बचेंगे दो ऑप्शन और आप उन दो ऑप्शन में बता सकते हैं कौन सा आंसर है कौन सा नहीं। यहां किसी को ऑप्शन चाहिए ही नहीं, यहां सब है एकदम सुपर लेवल के। गुजरात, बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं आप, वेरी गुड, बढ़िया। दीपशिखा चंदा, महाराष्ट्र में नहीं है सिक्का, ये है आपका गुजरात में। अरे एक ही चीज देख लीजिए, गुजरात का सिक्का, ये पता मैंने कैसे याद किया था, ऐसे याद कर लो, गुजरात का सिक्का चलता है, जिसको देख लो, चाहे आप अंबानी को देख लीजिए, मोदी जी देख लीजिए, सबके सब कहां है, गुजरात से है, तो ऐसा याद कर लो, गुजरात का सिक्का चलता है, बस हमेशा याद रहेगा, कुछ ना कुछ बना लिया करो याद करने का, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह। विच कंट्रीज टीम ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज द रनर अप टीम इन 2007? विच कंट्रीज, कौन सी कंट्री की जो टीम है वो रनर अप टीम थी 2007 में, बताओ कौन सी कंट्री की जो टीम है वो रनर अप रही थी 2007 में, आंसर। ठीक है, बढ़िया विजय, एकदम सही। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2007 में कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड कप 2007 जो है उसको क्या किया था, जीता था, आंसर श्रीलंका। इंडिया ने नहीं जीता था, साउथ अफ्रीका में नहीं, वेस्ट इंडीज में नहीं, ये भी मैंने आपको कल दिया था आपको, ये आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप से सवाल पूछता है इसलिए ध्यान रखना इस बात को। आइए चलिए नेक्स्ट पर आए, आइए नेक्स्ट पर आते हैं, यहां पर आओ, पेलाग्रा बताओ, बताओ बताओ, हाँ, पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? पेलाग्रा में क्या होता है ना, अजीब से दाने ऐसे पड़ जाते हैं, पेलाग्रा में क्या होता है, दाने जैसे पड़ जाते हैं, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विराट, वेरी गुड, सही है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, B5। B5 का एक और नाम बताइए, B5 का एक और नाम बताइए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ B5, कम ऑन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ B5 बताएं, B5 का दूसरा नाम, जल्दी से जल्दी से। यस दीपशिखा, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है, सब लोग सुनना, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट है ना, आप लोग जाकर के उसको देख लें और उसमें से सारी चीजें जो है आपको क्लास वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे आए, वेरी गुड, नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं, तो B5 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। अगले सवाल के ऊपर आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये वाला, इंडियन फोर्सेज नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC जो है,
एनसीसी जो आपने सुना होगा पहले कॉलेजेस में बहुत होते थे, पहले पता है सरकारी नौकरी में एनसीसी के नंबर होते थे, अब नहीं होते इसलिए एनसीसी अब कोई ज्वाइन नहीं करता। तो एनसीसी कब हुआ और कहां से हुआ बताइए, एनसीसी की जो तैयारी है वो कब और कहां से हुई? आंसर गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। ये हुआ था दिल्ली में ही और ये इंडिपेंडेंस की, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था। एनसीसी की जो स्थापना है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हुई थी 1948 में, 1948 पोस्ट इंडिपेंडेंस इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये तक समझ लिया, कल मैं क्या करूंगा रुकना जरा, आई डोंट नो, मेरे पास अभी थ्योरी वाली फाइल थी लेकिन अभी पता नहीं ये फाइल जो है मेरे निकालनी पड़ेगी वो फाइल को, आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको थ्योरी दे दे रहा हूं जिसके ऊपर मैं कल एमसीक्यू पूछूंगा वो वाले मैं आपको थ्योरी दे रहा हूं, एक सेकेंड रुकेंगे ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे, जो आपको कल मैं आपको जिससे पूछूंगा ना उसकी मैं आपको थ्योरी देने जा रहा हूं, एक सेकेंड इंतजार करिएगा राइट, क्योंकि आज के एमसीक्यू हो गए, मैं डेली एमसीक्यू भी कराऊंगा और थ्योरी भी कराऊंगा, तो मैं आज की आपको थ्योरी देता हूं, जरा सा रुकना बस, आज डेट है हमारी 25 राइट, ठीक है ठीक है, चलिए तो 25 की आपको दी जाए जरा थ्योरी, लीजिए आपके सामने आ रही है, हाँ अभी आपको डार्क दिख रहा होगा, अभी आपको डार्क दिख रहा होगा, वो डार्क इसलिए दिख रहा है, वो डार्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी मैं आपकी थ्योरी की जो फाइल है ना उसको पुल कर रहा हूं, ठीक जैसे ही वो फाइल पुल हो जाएगी आपको सब सही दिखने लगेगा। आइए चलिए अब आपको सब सही दिखेगा, टाइप कौन सा है, वो किसको किसको डोनेट कर सकता है और किससे किससे ब्लड ले सकता है, ये मैच द फॉलोइंग में आजकल ये सवाल आते हैं और यार ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आइए उसके बाद एक काम करेंगे, देखो अरे 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 अरे, अरे आप लोग बतियाने लगे आपस में है, हाल चाल पूछ रहे हैं, बढ़िया देखिए ऐसे ये समझना यार, इसमें आपको समझाता हूं, देखो क्या होता है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपको बताता हूं, देखो है क्या हर फोर्सेस अलग अलग स्टैब्लिश हुई है, जैसे इंडियन आर्मी जो है 1895 में हुई है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारत में सुनना बड़ी बढ़िया चीज है यार, भारत में आपको मालूम है जैसे आपने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान में सेना जो है वो क्या कर लेती है, सत्ता पलट कर देती है और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाती है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ वो पाकिस्तानी सेना के सेना प्रमुख थे और वो उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, ठीक इंडिया में ऐसा कभी क्यों नहीं हो सकता ये समझिए, इंडिया उन कुछ ऐसी कंट्रीज में से है जिसमें कि सेंट्रल के पास यानी होम मिनिस्ट्री के पास अपनी खुद की फोर्स होती है, पाकिस्तान में खुद की फोर्स नहीं है सेंट्रल के पास में, यहां पर वहां पर क्या होता है इसमें जैसे भारत है, भारत के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, बीएसएफ है, सशस्त्र सीमा बल है, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, जितने भी सीपीओ में फोर्सेस होती है ना ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स होती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की फोर्स अलग है, तो भारत में कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन सकता, हमारे पास बड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस वाला पावर है। फिर होमगार्ड अलग होता है, पुलिस में होमगार्ड अलग होता है, देन नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी, ये देखिए ये सवाल आया था ना 1948 में दिल्ली में बना है एनसीसी, फिर देखिएगा यहां पर आइए आईटीबीपी, ये कहां पर रहता है, ये बेसिकली जो तिब्बत बॉर्डर है ना उसी को गार्ड करने के लिए ये वाली पुलिस होती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, देन एसएसबी, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फोर्सेस में आती है, सशस्त्र सीमा बल, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फोर्सेस में आती है इंडिया की, इनके पास जो टैक्टिक बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, इनके पास फंड होते हैं, एसएसबी के पास बहुत अच्छे फंड से लेकर के सारी चीजें होती है उनकी जो वेपन, देन आती है आपकी सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का काम ये होता है गार्डिंग का, यानी मेट्रो को गार्ड करना है सीआईएसएफ, अगर मान ली इंडियन आर्मी को वहां नहीं बुलाएंगे गार्ड करने के लिए, सीआईएसएफ को बुलाएंगे, क्यों, इनका जो कॉम्बैट ऑपरेशन होता है ना, जो इनको बताते हैं कैसे आपको जो फायरिंग करनी है, इंडियन आर्मी की जो फायरिंग की ट्रेनिंग होती है वो ओपन रेंज फायरिंग ट्रेनिंग होती है, यानी कि आपको बहुत बड़े से मैदान में आपको गोलियां चलानी है, सीआईएसएफ वालों की जो फायरिंग ट्रेनिंग होती है वो क्लोज रेंज फायरिंग ट्रेनिंग होती है, यानी कि आपको एक कॉम्प्लेक्स के अंदर में अगर आपको शूट करना पड़ जाए तो आप कैसे आप शूट करोगे, खुले मैदान में शूट नहीं है, और ऐसा कैसे करोगे कि बहुत सारे लोग हैं उसके बीच में अगर आपको किसी को पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ोगे, इनकी पूरी ट्रेनिंग जो होती है सीआईएसएफ वालों की ये वाली ट्रेनिंग होती है, ठीक। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी क्या होता है, एनएसजी कमांडोज जो होते हैं ये पैरामिलिट्री कमांडोज होते हैं, पैराट्रूपर्स की एक अलग ही ग्रुप होता है, उससे ये चुने जाते हैं और दे आर द एलीट ऑफ द एलीट, इनका काम ये होता है दे कैन शूट
पॉइंट ब्लैंक इवन एट द टाइम ऑफ नाइट एज वेल, वो रात में भी सीधा यहां पर मार सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती है। और इनको इनको जो इंटरनल कभी हॉस्टेज सिचुएशन जब होती है ना, तो वहां पर आर्मी को हम बात, क्योंकि आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो ओपन कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है, एनएससी की जो ट्रेनिंग होती है वो क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग भी होती है। और स्पेशली जो हॉस्टेज सिचुएशन होती है ना, हॉस्टेज का मतलब क्या होता है, अगर कभी किसी को बंदी बना लिया जाता है, जैसे ताज होटल में आपने देखा था, ताज होटल में एनएसजी कमांडोज गए थे, मुंबई की एटीएस सेल गई थी और एनएसजी कमांडोज का वेट किया गया था, क्योंकि एनएसजी कमांडोज का स्पेशलाइजेशन होता है कि वो हॉस्टेज सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। हॉस्टेज हो और टेररिस्ट हो तो सीधा टेररिस्ट को उड़ा देंगे, हॉस्टेज को कुछ नहीं होगा। और ये पूरे अंधेरे में भी ये प्रॉपर एक्यूरेसी से फायरिंग कर सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती है। फिर आता है हमारा एनडीआरएफ, इसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। प्राकृतिक आपदा जहां पर भी आती है, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है कि अगर कहीं आपदा आ गई तो लोगों, इनका रेस्क्यू ऑपरेशन, इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना वो रेस्क्यू ऑपरेशन की होती है। इनके में गोली वोली का इतना नहीं होता, इनके में होता है कहीं अगर मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कहीं एकदम से मान लीजिए एकदम से अटैक हो जाए कहीं पर, न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए, तो इनकी ट्रेनिंग उस तरीके की होती है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन में बेसिकली होते हैं। तो ये आपकी सारी की सारी, समझिएगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं क्या है, ये आती है आपकी फोर्सेस होती हैं। ये समझ में आया? मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि डिटेल में आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं जितना कि आपको क्या हो ना, एक चीज भी समझ में आ जाए और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहे, इतना बता रहा हूं, नहीं तो बहुत डिटेल हो जाएगा। ये कोई कभी एक सेशन ले लूंगा, मैं एक सेशन ले लूंगा जिसमें इंडिया की जो फोर्सेज हैं उनकी क्या काबिलियत है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इन सेशंस के बारे में आपको बता दूंगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है यार ये सब, बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, 1947 लीडर्स हैं, ये प्लेस है और ये पूरी लिस्ट याद कर लेना 1857 की लड़ाई की है, क्योंकि मैं कल इसी लिस्ट में से जो आज आपको दिखा रहा हूं ना थ्योरी वाला पार्ट, कल मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग चाहो तो। और ये डेली का डेली 8:30 बजे सेशन होता है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको ये इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी, देखिए मैं यहां की बात कर रहा था, ये क्या है, पीटीआई और यूएनआई। ब्रिटेन की रूटर्स है, रशिया की टास है, यहां पर क्या हो जाएगा, जर्मनी की डीपीए है, ये देख लीजिए, ये सारे के सारे जितने भी हमने आज पढ़े हैं। फ्रांस की क्या है, एजेंसी फ्रांस प्रेस, एएफपी, ये यहां की आ गई, ये भी आज का क्वेश्चन था आपका। ये आ जाते हैं आपके सारे नेशनल पार्क 2020 के स्टेट वाइज हैं। ये आपने क्या करे, मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट ऑलरेडी दे चुका हूं, ये आपके नेशनल पावर प्लांट है, इसको भी आप क्या करेंगे, डेट वाइज है, इसको आप आराम से याद करेंगे। ठीक, चलिए एक मिनट, हां जी नेक्स्ट पर आए, आइए देखिएगा अभी क्या करेंगे, ये देख लेना अच्छे से यार, ये याद कर लेना, क्योंकि देखो मैं याद करने का आपको टाइम दूंगा, आज मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, कल भी क्या करूंगा, कल एमसीक्यू पूछूंगा, दो दिन मैं इसी में से एमसीक्यू, जितना आज आपको थ्योरी दे रहा हूं दो दिन मैं इसी में से एमसीक्यू पूछूंगा, हर कोई प्रॉपर करके आना, ठीक है। और अगर इतना कोशिश करूंगा यार केबीसी वाले उस पे ले आऊं, ना पाया ना आज टेम्पलेट, अगर बना लिया ना मैंने तो पहले तो आपको 5 सेकंड दूंगा नॉर्मल आंसर करने के लिए, नहीं कर पाएंगे तो मैं 50-50 कर दूंगा, दो ऑप्शन अपने आप वैनिश हो जाएंगे, आप उनमें से कोई दो चुन लेना, ठीक, विल ट्राई, कांट प्रॉमिस। फिर ये सारे आपके स्टेट वाइज आपके नेशनल पार्क्स की लिस्ट हो गई यार, जितना हो पाए उतना याद कर लेना, मैं जानता हूं इसको याद करना बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन जितना हो जाए उतना याद करना, क्योंकि नेशनल पार्क तो आते हैं आपको मालूम है, और अभी से लेकर के ना जितने एग्जाम लगे सब में एक ना एक नेशनल पार्क पूछ ही लेता है, तो पढ़ना तो है ही है अपने को ये, और इनको रटने के अलावा और कोई चीज होती नहीं है ऑप्शन अपने पास। अब देखिए, अच्छा ये आंध्र प्रदेश असम ये सारा स्टेट वाइज हो गया आपका, खत्म ही नहीं हो रहे, मैं चाह रहा हूं खत्म हो जाए बस, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और मैं दो दिन क्यों चला रहा हूं, मैं इसको दो दिन इसीलिए चला रहा हूं क्योंकि अब यहां ये खत्म हो गया, मैं इसको दो दिन इसलिए चला रहा हूं क्योंकि हां जी प्लेलिस्ट में वीडियो, ओके जी ओके डन। देखिए ना 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 कंफ्यूजन कैसे होगा, जब मैं आपको दो दिन तक इसी के एमसीक्यू कराऊंगा, सी आपको ये एक जगह कंपाइल मिल चुका है, अब इसमें देखो ऐसे तो वेस्ट बंगाल में यार और भी है, लेकिन ये वो है जो एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं पिछले 3 साल में या उम्मीद है, ये वो वाले हैं, या तो पूछे जा चुके हैं या आने वाले की उम्मीद है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वाले हैं। टोटल तो आपके लगभग लगभग कितने हैं, लगभग 136 या 128 के आसपास हैं, आपको यहां पर कुल मिला के शायद 42 या 44 मिले हैं खाली, 44 या 48 हैं, उनको पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हर एग्जाम में आता है। नमन वत्स, आप देख लीजिए, स्टैटिक तो मैं यहीं पर ले रहा हूं, है ना, स्टैटिक तो मैं यहीं पर ले रहा हूं, ठीक है गाइस। चलिए आज क्विज होगा, स्टैटिक जी कहेगा हां जी
Let's begin. So the first question that's coming up on your screen is, who was believed to be the founder of Calcutta? So is it A, Gerald Angier, Job Charnock, Robert Christom, yeah, none of these. The correct answer for this one is A, B, C, or yeah, D. किसको मानते हैं कैलकटा का जो फाउंडर है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज जॉब चार्नक, राइट? ओ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज जॉब चार्नक. बधाई हो, बहुत बढ़िया. लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट वन. अगला सवाल आ रहा है, हु डिस्कवर्ड इंडिया? ओ हो हो यार, ये तो मतलब अब बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल है, बता दीजिएगा. ठीक है, सो इट्स अ कमबैक. सो मैंने थोड़ा सा आसान रखा हुआ ताकि ऐसा ना हो पहले दिन क्विज देख करके आपको लगे ओ हो इतना डिफिकल्ट हो गया. सम इजी क्वेश्चंस आ गए. कोलंबस, जॉन कैबट, वास्को डी गामा या फिर मैगलिन? मैगलिन वॉज फ्रॉम स्पेन, ठीक है. वास्को डी गामा वॉज फ्रॉम पुर्तगाल, ही वॉज अ पोर्टुगीज सेलर. कमिंग ऑन टू दिस वन, 1498 में वास्को डी गामा एंटर्ड फ्रॉम बीजापुर, कहां पर है? गोवा के पास में. तो वास्को डी गामा वॉज फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड इंडिया इन द ईयर 1498. आइए, वेयर इन इंडिया इज फोर्ट विलियम सिचुएटेड? वंडरफुल यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कहां पर फोर्ट विलियम सिचुएटेड है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद, फोर्ट विलियम जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, बताइए. करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज फोर्ट विलियम कहां पर है यार? कोलकाता में. सो कोलकाता का जो, जब नवाब साहब के टाइम पर, यानी आपने यार सुना होगा बैटल ऑफ अलीपुर के बाद में जो आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, वो सब कुछ कहां पर हो रहा था? क्योंकि फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया था. ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया था? फोर्टिफिकेशन, यानी किलेबंदी शुरू कर दी थी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज कोलकाता. क्लियर हो गया? बढ़िया से, वेरी गुड. लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट सवाल आ रहा है, हु डिस्कवर्ड बॉम्बे? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल. बॉम्बे को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस वही हैं, अभी फिर से ऑप्शंस वही हैं. कम ऑन, हु डिस्कवर्ड बॉम्बे? ओके ओके ओके, हां जी. इज दिस हेल्पफुल फॉर डिफेंस एग्जाम? डेफिनेटली एंड वेरी मच हेल्पफुल. दिस इज डेफिनेटली हेल्पफुल एंड वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस. जॉब चार्नक नन ऑफ दीज, या फिर रॉबर्ट क्रिस्टम, या जेरल्ड एंगियर. कल ही पढ़ा था यार, जेरल्ड एंगियर. जेरल्ड एंगियर डिस्कवर्ड मुंबई. जॉब चार्नक डिस्कवर्ड व्हाट? ही डिस्कवर्ड कोलकाता. नेक्स्ट पे आ रहे हैं, वेयर डिड द डच फाउंडेड द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? डच ने, यार ये बढ़िया सवाल है, डच ने पहली फैक्ट्री जो है अपनी वो कहां पर स्टैब्लिश करी, बताइए. हाँ जी, फाउंडर भी मैंने दिए थे, मैंने कल ही तो आपको बताया था ना, स्टार्टिंग के चार टॉपिक मैंने बोले थे कि ये होमवर्क है. सो वेयर डिड द डच फाउंडेड द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? डच को पहली फैक्ट्री इंडिया में कहां पर आई? मैगजीन जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अमन एसआरवी, मैगजीन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अमन एसआरवी से मिल जाएगी, स्टैटिक जीके की मैगजीन, राइट? चलिए, वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, मसूलीपट्टनम में किसकी पहली फैक्ट्री थी? ये ध्यान रखना यार, डच की पहली फैक्ट्री थी, ये ध्यान रखना. सूरत में किसकी थी, मसूलीपट्टनम में किसकी थी, ये सारी चीजें आपकी फाइल में दी हुई हैं ऑलरेडी. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज व्हाट इन द ईयर? ये तो बता लेंगे, बक्सर से कंफ्यूज मत होना, बैटल ऑफ बक्सर से कंफ्यूज मत होना, ये ल्यूसेंट जीके नहीं, ये स्टैटिक जीके. हाँ, ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके का क्विज है ये, ल्यूसेंट स्टैटिक जीके का क्विज है ये. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज व्हाट इन द ईयर? जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1764, 57, 65 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर मेरा क्या आएगा? 1757. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. चलिए आइए नेक्स्ट पर आ रहे हैं यार. यहां पर द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कौन है? ब्रिटिश एम्पायर का भारत में फाउंडर कौन है? Who was the founder of British Empire in India? सब कुछ इसी में है. गौरांशी, ये सारी हम अभी सिर्फ उन्हीं चीजों का क्विज ले रहे हैं जो हमारे स्टार्टिंग की अपनी चीजें थी, ठीक है? अलग क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं अभी. रॉबर्ट क्लाइव, ड्यूप्लेक्स, मीर जाफर या फिर इनमें से कोई नहीं? फिर से बोल रहा हूं, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, ड्यूप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं. द फर्स्ट वन, द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इज, करेक्ट आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट क्लाइव. रीजन क्या था इसका? कि जब यहां पर क्या हुआ, बैटल ऑफ अलीपुर में, बैटल ऑफ अलीपुर में ब्रिटिशर्स की हार हुई. सो रॉबर्ट क्लाइव वॉज इन मेड्रास एंड रॉबर्ट क्लाइव वेंट फ्रॉम मेड्रास ऑल द वे टू वेयर, बंगाल, एंड ही नेगोशिएटेड समथिंग. यानी उन्होंने क्या किया, ये बड़े थोड़े से आप कह सकते हैं थोड़ा शकुनी मामा टाइप इंसान थे, जो कि मतलब चालबाजी बहुत करते थे. तो इन्होंने जितना भी ब्रिटिश एम्पायर में एक पॉलिटिकल डोमिनेंस लेके, अभी तक क्या होता था 1757 के पहले जितना भी काम होता था वो सारा कैसे होता था, वो सब होता था किसके ऊपर, पैसे के लिए होता था. इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश करी ब्रिटिशर्स की. कौन से युद्ध के थ्रू? बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू, जहां पर मीर जाफर का इन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक, और नवाब साहब को निपटवा दिया. आइए,
ये बताएंगे ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट शायद गड़बड़ हो गया है, वॉर एंडेड इन कॉम्प्रोमाइज विद ट्रीटी ऑफ आयला चैपल बैटल ऑफ एंडी वॉश, यहां पर बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही है। बताइए, ये हो गया है थोड़ा सा गड़बड़। चलिए, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, कम ऑन। अरे एक मिनट यार, अभी जानते हैं ये हुआ क्या है। आप जानते हैं आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों मिल रहे हैं इतने सारे? यहां पे भी हिस्ट्री मिल रहा है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री हिस्ट्री मिल रहा है। एक चीज हुई है, मालूम है क्या, बहुत गजब सा हुआ यार, अभी समझना। एक्चुअल में क्या हुआ है, मैंने आपको आज याद होगा अनअकैडमी प्लस पे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने आपको हिस्ट्री के नोट्स दिए हैं मैंने, है ना। और हिस्ट्री के नोट्स में अब मैंने जो मेरे जो बनाते हैं ये क्विज, मैंने उनको बोला मैंने जो स्टैटिक जीके मैगजीन जो मैंने कंपाइल करी है, मेरी स्टैटिक जीके मैगजीन में से आप क्या करिए, 10 क्वेश्चन आप उसको में से क्रिएट कर दीजिए और ये फाइल मुझे भेज दीजिएगा, पहले मैं चेक करूंगा। उन्होंने क्या किया, उनको खाली ये याद रहा है कि मैगजीन में से 10 क्वेश्चन फ्रेम कर दीजिए जो मैंने मैगजीन बनाई हुई है। तो उन्होंने क्या किया, जो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की मैगजीन थी उसमें से उन्होंने सवाल फ्रेम कर दिए, समझ रहे हैं? तो इसीलिए समझ में आ रही है। तो ये एक्चुअल में जो मैंने क्लास में, जो मैंने अनअकैडमी प्लस पे, ये एक एक चीज जो है ये अनअकैडमी प्लस पर अवेलेबल है, अनअकैडमी प्लस पर जो पढ़ाई थी ये वो चीजें आ गई हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार, स्टैटिक जीके है मैंने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, इस सीक्वेंस में जो कैसे कैसे कौन कौन से बैटल हराए थे ये सब तो मैंने अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाया, ये स्टैटिक में क्या कर रहा है, ये गड़बड़ हुई है इसमें, ठीक है। चलिए आइए, हाँ कोई बात नहीं यार, ये भी अपना सिलेबस में ही आएगा, ठीक है। ये किसका, तो चलो थोड़ा फॉर्मेट गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आओ। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, अरे मंडे को टेस्ट लेंगे, मंडे को आप 6 टॉपिक का टेस्ट लेंगे ये, लेकिन ये भी सवाल बहुत अच्छे हैं, ये भी सवाल ऐसे हैं जो बहुत बेसिक हैं और हर एक को आने चाहिए। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे, सूरत, हुगली या फिर कलकत्ता, बताइए। बॉम्बे सूरत हुगली या फिर कलकत्ता। देखिए, आपको अभी जो आज मैंने आपसे आप लोगों को एक बात बोली है कि फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की, पोर्टुगीज की, डच की, डेन्स की और फ्रेंच की, इन सब की फर्स्ट फैक्ट्री आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत में। इन्होंने सबसे पहला फरमान जो इन्होंने जहांगीर के दरबार में लिया था वो था सूरत में ट्रेड स्टैब्लिश करने का। अगर आप ध्यान देंगे तो ब्रिटिशर्स ने कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया है ये समझिएगा, ब्रिटिशर्स ने कहाँ कहाँ पर ट्रेड करने का कोशिश किया है ये समझना। देखो, पहला इन्होंने लिया सूरत में, यहां पर, ठीक, ये आ गया इनका पहला। फिर उन्होंने क्या लिया, यहां पर ले लिया, ये है आपका क्या, बॉम्बे हो गया, राइट। फिर इन्होंने कहां पर लिया, फिर बोले इन्होंने मद्रास में ले लिया, ठीक है, फिर इन्होंने मद्रास में ले लिया, फिर क्या बोले, फिर इन्होंने कोलकाता में ले लिया, राइट। यानी यार क्या देखा आपने, क्या देखा ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल में ट्रेड कहां कहां पर करी है, ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल में ट्रेड किस किस जगह पर करी है, आप ये देख रहे हैं जितनी ट्रेड ब्रिटिशर्स ने करी है ये सारी की सारी ट्रेड कहां पर हुई, ये सारी की सारी ट्रेड इन्होंने पोर्ट के पास में करी है। इससे इन्हें क्या फायदा होता था, ब्रिटिशर्स को क्या फायदा होता था, फायदा ये होता था कि गुड्स को यूरोप से लाने में बहुत आसानी है और जितने भी ये हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां से ये जितना सामान होता था सब बटोर के लाते थे और इंडिया में आराम से उसको उतारने की भी आसानी होती थी। तो इन्होंने सिर्फ पोर्टल पावर्स ली क्योंकि इनका शिप बिल्डिंग सिस्टम जो था वो बहुत स्ट्रांग था, तो इन्होंने अपने जितने पोर्ट्स थे उसको बहुत फोर्टिफाई, बहुत स्ट्रांग कर लिया था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पर आ रहे हैं, आइए अब देखिए। हाँ, हम गुजरात एकदम कतई पॉइंटेड छोड़िए, कतई छुरी बना दिए हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ब्लंट कर लेना यार। आइए, द बैटल ऑफ बक्सर विच कन्फर्म द डिसीजंस ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 22 अक्टूबर 1964 पे हुआ था वो किन तीन पावर्स के बीच में, बेसिकली किन चार लोगों के बीच में होता, एक था इंग्लिश और एक था ट्राइपैट्रिएट, तीन पावर्स साथ में आई थी, मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, शुजा उद्दौला, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम टू मुगल एम्परर, या ये सारे के सारे लोग थे उसमें, बताइए। वेरी गुड, ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑल ऑफ द अबव। ये ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल था और क्या हुआ था, मीर जाफर के जो सुपुत्र हैं
इन्होंने क्या किया था, ये समझ गए थे ब्रिटिशर्स जो है यार, मीर कासिम एक थोड़ा सा दिमाग वाले आदमी थे, उन्होंने बोला था ये ब्रिटिशर्स की ना भूख शांत नहीं होने वाली, तो ये मुगल एम्परर शाह आलम टू, अलाहाबाद के नवाब और खुद, इन्होंने मिल करके एक ट्राइपैट्रिएट, इन्होंने एक यूनिटी यूनियन बना ली थी, और पूरी यूनियन एक साथ आई थी और फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। ये कब हुआ था, ये बैटल ऑफ प्लासी में हारने के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, तब हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ बिग डिफीट फॉर अस इंडियंस, राइट। आइए, वट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 61 से 65, 67 से 69, 82 से 84, 80 से 82। आंसर का रेट कम दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा आंसर का रेट थोड़ा सा कम दिख रहा है, आंसरिंग अपनी थोड़ी और बढ़ाइए, है ना। क्रोनोलॉजी ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1761 से 65, 67 से 69, 82 से 84, राइट। चलिए, टाइम अप। अब मैं देख रहा हूं कितने लोगों ने सही बताया हुआ है, 67 से 69 बी। अरे फर्स्ट वाले का पूछा है, फर्स्ट वाले का मैंने क्लास में पढ़ाया तो था ये। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ जी तुलसी, आपका आंसर एकदम सही है। सातु सामंत, बहुत बढ़िया। हितेश, सातु सामंत, ठीक है। नवीन चंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट वन, अगले के व्यापार आ रहे हैं। व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? फर्स्ट हो गया, अभी बताइए व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? आसिफ जी आपका थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपकी ट्राई करिए। देखिए पहला वाला हुआ था 67 से 69 में, इनके वॉर कुल मिला के 15 साल चले हैं। कुल मिला के जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं दे आर 15 ईयर्स। टीपू सुल्तान, हैदर अली, बहुत सारे वॉर हुए इनके, चार वॉर हुए इनके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बी, नहीं आपकी सी था यार, 90 से 92। मैंने बताया तो था 15 साल इनके कुल मिला के वॉर चले थे इनके, 90 से 92। सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी अश्वथी बाबू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अमन कुमार, वेरी गुड। सातु सामंत, वेरी गुड। नवीन चंद, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों ने तो यार बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई है। इनफैक्ट आप लोगों ने जो मैंने आपको क्लासेज में पढ़ाया है, आप लोगों को सारी बातें याद है, दिस इज वंडरफुल। हम लोगों ने कहानी पूरी डिस्कस करी थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब डिस्कस करा था। चलिए आइए, हु फॉलोड पोर्टुगीज इन इंडिया? याद है यार, हम लोगों ने क्या सोचा था कि जो भी सीक्वेंस है अपने को याद होना चाहिए, सबसे पहले पोर्टुगीज आए तो उनके बाद कौन आए बताइए। हु फॉलोड, डच आए, फ्रेंच आए? अच्छा ये इसको जरा हटा दीजिएगा, करेगा अभी आंसर बताइए, कम ऑन अभी आंसर बताइए। वेरी गुड, सो हु फॉलोड पोर्टुगीज? सो पोर्टुगीज इन इंडिया को किसने फॉलो किया था? कौन हमारे? डच, क्योंकि सबसे पहले आए, सुनना, सबसे पहले आए पोर्टुगीज, फिर कौन आए? डच, फिर कौन आए? तीसरे नंबर पर आने वाले कौन से थे? ब्रिटिश, फिर कौन आए? फ्रेंच। ब्रिटिश तीसरे पे थे या चौथे पे थे ये भी बताइए। क्या मैंने डच के बाद ब्रिटिश लिख करके सही किया हुआ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जरा ये बताएंगे, देखिए कुल कितने आए हैं? पोर्टुगीज आए हैं, डच आए हैं, फ्रेंच आए हैं, जस्ट अ सेकेंड, पोर्टुगीज आए हैं, डच आए हैं, फ्रेंच आए हैं, डेन्स आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ देयर कमिंग? एक काम करेंगे, मुझे आप लोगों से एक आंसर चाहिए, द सीक्वेंस ऑफ देयर कमिंग। आप लोग कुछ ना करें, बस उनका पहला पहला लेटर लिख देंगे, एंड द सीक्वेंस ऑफ देयर गोइंग। ये मुझे दो लोग बाद में लेक्चर देखेंगे, वो बाद में ये बात मुझे बताएंगे, वो कमेंट में लिख करके बताएंगे। जिसका जिसका सही होगा दे डिजर्व अ शाउट आउट। सो कमिंग एंड गोइंग दोनों का सीक्वेंस क्या है? ठीक है, आइए अभी इस पे आइए। अच्छा, द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम अहमदनगर किंगडम इन 1510। ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो ऐसे ऐसे थे। और पहले अच्छा आप बताओ, कम ऑन, ऑलराइट, आराम से सोच लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको हो गया, बस अब सुनो, अब देखूं कितने लोगों का सही है। चलिए अच्छी बात है, समझिएगा यार, पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम अहमदनगर किंगडम इन 1510 में हुआ था। सुनिएगा, 1510 में हुआ था ये, 1500 कौन से ईयर में हुआ था?
विच ईयर वॉज दैट जहां पर इन्होंने कैप्चरिंग करी थी? सर मुझे डिटेल या PDBFS, ठीक है, वेरी गुड. रोहित रॉयज, यार वंडरफुल रोहित, बहुत बढ़िया. तान्या जदवानी, रोहित रॉयज, यू गाइस हैव डन ब्रिलियंट. द करेक्ट आंसर इज 234. एक्चुअल में इन्होंने, ये अहमदनगर किंगडम था 1500 में, क्या गलती है ये बताइए, पहली लाइन में क्या गलती है ये बताइए, बाकी बिल्कुल सही है. ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया जो थे वो कम थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पहली कमर्शियल फैक्ट्री सूरत में आई, बिल्कुल सही थी. फ्रांसिस मार्टिन जो थे फाउंडर ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट एट पांडिचेरी, ये भी बात बिल्कुल सही है. आपको ये बताना है कि पहले वाले पॉइंट में गलत क्या है. रोहित रॉयस आपने सही बताया है एकदम, एंड मिस जदवानी एकदम सही. कम ऑन यार, एक एक लाइन तो सारी वही है जो हमने पढ़ी हुई है, हैं? ऐसा कैसे होगा? आधे पूरा पूरा बताइए, रीजन जरूर बताइए. अगर कोई लाइन आप गलत बोल रहे हो तो बताओ. नन, ऑल राइट, कोई नहीं, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है. ईयर क्या था, पहला वाला लाइन में क्या गलती है, तो फिर सही माना जाए, पहली वाली लाइन सही मानी जाए. वाह जी वाह, तुक्का मार रहे थे सारे के सारे, तुक्का मार रहे थे सारे के सारे, ऐसे तो नहीं चला. अब क्या करेंगे, सी डू वन थिंग, आई एम गिविंग यू स्मॉल होमवर्क, प्लीज डू दैट बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. एंड दो चीजें पूछेगा सबने, जितने भी आपके ये आए हैं, दो चीजें, पहली कमर्शियल फैक्ट्री कहां पर डाली थी और कहां पर लैंड हुए थे. जैसे ब्रिटिशर्स कहां पर गए हैं, सबसे पहले जहांगीर के कोर्ट में गए हैं, ये किसके कोर्ट में गए थे, और अगर इन्होंने कोई टेरिटरी, किसी ने भी, किसी भी पावर ने कोई भी टेरिटरी अगर कैप्चर की हुई तो वो कौन सी टेरिटरी है. देखो, और ये चीज, ये भी चीज यार, मैं आपको जो अभी किरण हिस्ट्री सेशन ले रहा था उसमें मैंने कम से कम 5 से 7 बार बताई थी सारे के सारे में, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं फिर भूल चुके हैं. तो इसलिए क्या करना है, बताने का कोई मतलब नहीं बन रहा है. अब आप क्या करेंगे, सही, जितनी भी पावर्स यहां पर आई, फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री, आप अब अपने आप ढूंढ करके लिखेंगे, क्योंकि मैं ये बात कम से कम 5 से 6 बार यूट्यूब पे ही बता चुका हूं. किरण के हिस्से बताइए, मैंने ये बात, फर्स्ट फैक्ट्री लिखेंगे और फर्स्ट प्लेस कैप्चर्ड लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस कैप्चर. जैसे जैसे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल किया था, बंगाल की दीवानी निजामी सभी, और फर्स्ट प्लेस कैप्चर्ड, ये दो चीजें जो है पावर आई हैं उन सब के बारे में, ठीक है. 5 जितनी भी पावर आई है हमारी, ब्रिटिश, फ्रेंच, डेंच, डेन, स्वीडिश, ये जितने भी सारे हैं हमारे, सारे के सारे, राइट. चलो, दैट रैप्स अप, दैट रैप्स अप. हाँ, ईयर कंफर्म नहीं है, यस, मैं समझ रहा हूं उसी की गलती है. चलिए, दैट रैप्स अप. अच्छा सुनिए बस, सो वी हैड द क्विज ऑफ 14 क्वेश्चंस ओनली, दैट वाज जस्ट टू टेस्ट हाउ वेल यू गाइस आर डूइंग, ऑल्दो इट वाज मेंट टू बी अ स्ट्रेटजी के क्विज, बट द क्वेश्चंस वर गुड फॉर हिस्ट्री एज वेल. एटलीस्ट ये पता चला कि यार आप लोगों को जो हिस्ट्री है, कई लोगों का तो बिल्कुल सही चल रहा है, कई लोगों का गड़बड़ चल रहा है. तो जिनका गड़बड़ चल रहा है, प्लीज मेक श्योर कि आप, और ये सारे क्वेश्चन वो थे यार जो एग्जाम में आते हैं, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि ये क्या पूछ दिया यार, ये तो अलग ही है. अगर जो क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो वो भी ऐसा लगा होगा, अरे यार ये तो कहीं तो पढ़ा हुआ, ये तो पढ़ा हुआ सवाल है. यही चीज एग्जाम में होती है. तो इसलिए आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ें प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से, ठीक है. चलिए,